सब्सक्राइब कयो असन जो ऑफिशियल YouTube चैनल सिन टीवी HD आई वधी का अपडेट लाए बेल आइकन की क्लिक करियो मुझे सिन के सलाम सलाम सुन मुझे सिन के सलाम सलाम सुन अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स सब सलाम सिंध में अवां के सब के आसिफ सियाहल दी तरफ का अस्सलाम वालेकुम ऐ मुसा गड आइन अजरा खान मुझे तरफा ता सबनी के सलाम की आयो सबई ठीक आयो आसिफ ता की आयो ठीक आयो बिल्कुल ठीक ठाक सुबह सुबह जो पहर आई रौनकू सजे चारों तरफ एक सेट अस जो खूबसूरत आ है वियो अस जा एको स्टाफ डाडो प्यारो आ है आई अस जा व्यूअर्स त आइन ही आइन बिल्कुल आई मा यो सोचो त आसिफ चंदो त एको सेट खूबसूरत आ बियो अस पर तो स्टाफ से चलो यार मतलब सुबह सुबह पान के जो सो खूबसूरत समझण खपे यो तकबर ना है पर पने पान से प्यार करण यो त अस आयो हां हताई शुरू जने कदा से वाकई में इंसान के सब का पेरा पंजो पान से प्यार करण खपे पांजी जो को है नेचर से प्यार करण खपे शख्सियत से प्यार करण खपे आई प्यार से गरो गरो उन के बेहतर करण जी कोशिश करण खपे जेकर अस में खोड़ सारी कोतायूं खोड़ सारी कमियूं आए ने उनन के भी ठीक करण जी जरूरत आहे सो बहरहाल अस स्टार्ट करे छोड़ो है पंजो प्रोग्राम सुबह जो जो कोई स्टार्ट आहे यकीनन उम्मीद आहे त ता जो अस साई गद स्टार्ट थिंदो हुंदो छो छो जो जाहिर गला अस हन वक्त अस जो को टाइम आहे वो यो आहे त नाश्तो वास्तो नेरन वो थी वई स्कूल वणण वारा हल्या व्या ऑफिस वणण वारा हल्या व्या आए जो आहे जके यूनिवर्सिटी या कॉलेज वणण वारा भला व्या हाणे अस जो जके दिसंदणा अद्यू भेनरू वो फारिग थी फ्री थी ऐं सुकून सां असांजो प्रोग्राम ॾिसंदियूं आहिनि ऐं खोड़ सारियूं खोड़ सारो जेको आहे न सिखण जे लाइ मिलंदो आहे असांखे मिलंदो आहे असां बि खोड़ सारो पंहिंजे प्रोग्राम मां सिखंदा आहियूं खोड़ सारे शोभनि सां सलाड़ियल जेके माण्हू असांजे प्रोग्राम में ईंदा आहिनि उन्हनि खां खोड़ सारो कुझु सिखण जे लाइ मिलंदो आहे ॿुधण जे लाइ मिलंदो आहे रोज़ु नयो हिकिड़ो टॉपिक हूंदो आहे रोज़ु हिकिड़ी नई नॉलेज में हिकिड़ो नयो कुझु इज़ाफ़ो थींदो आहे त इहा बि जेका आहे न मतिलबु ख़ुशि नसीबी आहे असांजी बिल्कुलु ज़िंदगी हर रोज सिखारे थी ऐं मां पंहिंजी ज़िंदगी जेको गुज़ारियां पियो पंहिंजे मुंहिंजो स्लोगन आहे मां पंहिंजे जेको आहे सो हिकिड़ो स्लोगन ठाहे छॾियो आहे स्टूडेंट ऑफ लाइफ सो ज़िंदगी जो शागिर्दु हुजणु खपे छो जो ज़िंदगी हर रोज़ु सबक खणी ईंदी आहे पर सबक जॾहिं बि खणी अचे पोइ सबक सुठो बि हूंदो आहे ऐं सबक सुठो ई हूंदो आहे ठीकु आहे छो जो सबक जेकॾहिं तव्हांखे को अहिड़ो सेखारे वञे थो कोई बि फ़र्दु हुजे कोई बि माण्हू हुजे कंहिं बि तरीक़े सां पर इहो आहे की सबक पको करे छॾियो न त पको उहो ई जेको आहे उहो क्लास में बि होशियारु ॿारु सम्झो वेंदो आहे ऐं वाकई में सबक इलाही आहिनि पोइ हाणे तव्हांखे ज़िंदगी सबक ॾिए कोई माण्हू ॾिए या जेको असां पंहिंजे उस्तादनि खां सिखंदा आहियूं उनखे बि असां सबक ई चवंदा आहियूं त सबक सिर्फ़ु पर उहो न आहे हूंदो खोड़ सारा सबक हूंदा आहिनि पर सबक मां हमेशह सिखणु खपे काफ़ी माण्हू ईंदा आहिनि सबक मिलण खां पोइ बि जेको आहे वरी ओढ़ा जोड़ा वरी ॿ टिनि ॾींहंनि खां पोइ ओढ़ा हू ईअं चवंदा आहिनि असांजी नीयत साफ़ु आहे असां ओढ़ा जोड़ो हूंदो पर इन शइ मां इलाही नुक़सान बि मिलंदो आहे त तव्हां वरी उन्हनि ई माण्हुनि सां वरी सेम ओढ़ा जोड़ा हूंदा आहियो उहे वरी तव्हांखे नुक़सान ॾेई वेंदा आहिनि ऐं बिल्कुलु जेकॾहिं असांखे कुझु ज़िंदगी मां सिखणो आहे असांखे कुझु ज़िंदगी में हासिलु करिणो आहे असांखे कुझु ज़िंदगीअ मां बिल्कुलु सुठे इरादे सां कुझु पिराइणो आहे जेकॾहिं सोचियो आहे त पोइ कुझु हासिलु करण जे लाइ चवंदा आहिनि की हिकिड़े उस्ताद जी ज़रूरत आहे हिकिड़े रहबर जी ज़रूरत आहे ऐं उन रहबर जी ज़रूरत आहे जेके जिथे तव्हां वञणु चाहियो था चवंदा आहिनि की जंहिं जिते वञणु चाहे पियो पिया यकीन उनखे उहो रस्तो बि ख़बर हुजे जेको तव्हांखे जेकॾहिं उते वठी वञे पर जेकॾहिं तव्हां कंहिं ग़लति हथ में हथु पकिड़े छॾियो जेकॾहिं तव्हां उहो ग़लति हथु पकिड़े छॾियो ऐं तव्हांजी मंज़िल जे उनखे बि न ॾिठलु आहे त पोइ यकीन गुमराह थींदो ऐं भटकजी पवंदो त पोइ चवंदा आहिनि उस्ताद कामिल हुजे ऐं उस्ताद दोस्त भी थी सके तो उस्ताद पी भी थी सके तो उस्ताद माँ भी थी सके थी उस्ताद कोई भी थी सके तो उस्ताद उहो जेको तव्हांखे रस्तो ॾेखारे कहिड़ी भी दुनिया जे कंहिं भी शोबे में त पोइ उहो उनखे उस्ताद तस्लीम कयो वञे बिल्कुलु ऐं उस्ताद वाक़ई तव्हां सही चयो त उस्ताद हिकिड़ो दोस्त बि थी सघे थो उस्ताद हिकिड़ो जेको आहे तव्हांजो पीउ थी सघे थो माउ थी सघे थी भाउ बि थी सघे थो ऐं भेण बि थी सघे थी ऐं गुड फ्रेंड बि तव्हांजो उस्ताद थी सघे थो छो जो असां जॾहिं सुठा दोस्त हूंदा आहिनि त असांखे दोस्तनि मां बि खोड़ सारियूं शयूं जेके आहिनि उहे सिखण जे लाइ मिलंदियूं आहिनि पर चवंदा आहिनि न सोहबत ते डिपेंड करे थो त असां कहिड़ी सोहबत में रहूं था असांजो उथणु वेहणु असांजो खाइणु पीअणु घुमणु फिरणु कहिड़ी नोइत जे माण्हुनि सां आहे जेके
कि उहे माण्हू जीअं सोबत सां वास्तो रखंदा हूंदा असां बि उहा ई सोबत नेचर आहे इहो असांजी नेचर में उहा सोबत जेका आहे शामिलु थी वेंदी आहे त कोशिशि कयो जेके स्पेशली जेके असांजा नौजवान छोकिरा आहिनि उहे कोशिशि कनि त ओड़ी सोबत रखनि ओड़ी दोस्ती रखनि जंहिंमां कुझु हासिलु कनि सुठो ऐं काफ़ी त तव्हांखे ख़बर आहे माहौल अॼुकल्ह कीअं पियो हले कंहिं ते एतबार त परे जी ॻाल्हि आहे पर मतिलबु ख़बर कोन थी पए माण्हू खिली मुंहं ते ॻाल्हाईंदा आहिनि पर पुठु हुननि जे दिलि में अलाए छा हूंदो आहे त थोरो अवॉइड करणु खपे ऐं उहा ई ॻाल्हि इहे सभु शयूं असां केरु सेखारींदो आहे टीचर बिल्कुलु उस्तादनि जो आलमी ॾिहाड़ो आहे ऐं तमामु हिकिड़ो अज़ीम ॾींहुं आहे ऐं हिनखे त असांखे ज़रूरु सेलिब्रेट करणु खपे असां जेके बि हिते तव्हां ॾिसो पिया हिते ॾिसो पिया या पंहिंजे पाण खे बि जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो जेकॾहिं तव्हांजी शख़्सियत ते किथे कोई बि इम्पेक्ट सुठो पियल आहे त यकीननि हिकु उहो त उस्ताद जो किथे किथे न किथे छा मतिलबु मां सम्झा पियो की घर खां पोइ जेकॾहिं माउ पीउ जी दर्जो कंहिंखे आहे त उहो उस्ताद खे आहे घर खां पोइ सो उस्ताद जो हिकिड़ो वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन आहे कंहिंजी बि हिकिड़ी ज़िंदगी तब्दील थियण में ऐं उस्तादनि जी इज़त करणु खपे अॼु उस्तादनि खे असां जेके बि असांजा उस्ताद जिन्हनि असांखे पढ़ायो ऐं मां सम्झा पियो उन्हनि खे ऐं दुनिया में जेके बि टीचर्स आहिनि उन्हनि खे असां अॼोको ॾींहुं उन्हनि खे ट्रिब्यूट करणु था चाहियूं उन्हनि खे डेडिकेट करणु था चाहियूं अॼु उस्तादनि जे बारे में ॻाल्हाइबो उस्तादनि जे उन्हनि मैथड्स ते असां ॻाल्हाईंदासीं उहे इनोवेटिव जेके मैथड्स अप्लाई कंदा आहिनि कहिड़े स्टूडेंट खे कहिड़े तरीक़े सां पढ़ाईंदा आहिनि एजुकेशन ते ॻाल्हाईंदासीं एजुकेशन सिस्टम ते ॻाल्हाईंदासीं केतिरी असांजी एजुकेशन वञे पई किथे बीठा आहियूं असांजा छा स्टेटिक्स आहिनि ऐं काफ़ी कुझु अहिड़ियूं तालीम जे बारे में उस्तादनि जे बारे में उन्हनि खे भेटा पेश करण जे लाइ असां काफ़ी कचहरियूं कंदासीं एक्सपर्ट्स ॾींहुं त अॼु उस्तादनि खे भेटा पेश करण जो ई आहे छो जो वर्ल्ड टीचर डे आहे अॼु ऐं जीअं असां रोज़ को न को जेको ॾींहुं आहे उहो सेलिब्रेशन कंदा आहियूं त अॼु जेको आहे वर्ल्ड टीचर डे आहे उस्तादनि जो ॾींहुं आहे उस्ताद जेका आहे उहा उहो जेको लफ़्ज़ आहे उहो असांजी ज़िंदगी में इलाही अहमियत रखे थो उस्ताद को बि थी सघे थो टीचर बि तव्हांजो थी सघे थो तव्हां कंहिंखां को कमु सिखो था उहो बि तव्हांजो उस्ताद आहे ऐं दुनिया में को बि अहिड़ो माण्हू न आहे जिते मां ज़ाहिरी ॻाल्हि जेसिताईं मां सम्झां थी त को बि अहिड़ो माण्हू न आहे जेको को कमु करे ऐं बिना कंहिं उस्ताद जे करे चाहे कोई बि हुजे म्यूज़िशियन हुजे चाहे होस्ट हुजे चाहे उहो टीचर हुजे अच्छा टीचर जो बि टीचर हूंदा न उस्ताद जो बि उस्ताद हूंदा त उस्ताद जेको लफ़्ज़ आहे न उहो ई हिकिड़ी वॾी अहमियत ऐं वॾी जेको आहे पंहिंजो पावर रखे थो उस्ताद ॾिसो असां वाकई में पंहिंजे माउ पीउ खां पोइ असां उस्ताद जीअं इज़त कंदा आहियूं ऐं असांखे सेखारण जे लाइ खोड़ सारियूं शयूं उस्ताद वटां ई मिलंदियूं आहिनि पढ़ाइण त हिकिड़ो पंहिंजी जाइ ते हू पढ़ाईंदो आहे ठीकु आहे पर उन खां अलावा नसीहतूं बि उस्ताद ॾींदा आहिनि काफ़ी तव्हांखे सम्झाणियूं बि उस्ताद ॾींदा आहिनि जीअं तव्हांखे घर में तव्हांजो माउ पीउ वेही सम्झाईंदो आहे ईअं सुठा उस्ताद बि पंहिंजे सुठे शागिर्द खे सम्झाईंदा आहिनि ऐं जीअं आसिफ़ ॻाल्हि कई त उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त कहिड़ो जेको असांजो स्टूडेंट आहे उहो कहिड़े वे में पढ़ी सघे थो या कहिड़े तरीक़े सां उनखे पढ़ाइणु खपे त वाक़ई में उन्हनि खे चङे नमूने ख़बर हूंदी आहे छो जो के जेके ॿार हूंदा आहिनि हूंदा होशियारु आहिनि पर मतिलबु स्कूल वञण खां ॾाढो कतराईंदा आहिनि ऐं टीचर जेके आहिनि अहिड़नि ॿारनि खे उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त हिननि खे कहिड़े तरीक़े सां पढ़ाइणु खपे या कहिड़े वे में हिननि खे वठी हलिबो त ही पढ़ंदा जीअं तव्हां असां कॾहिं असां चवंदा आहियूं ॿार तव्हांजो ॾाढो होशियारु आहे पर थोरो मतिलबु हिन में आहे त स्कूल अचण खां कतराए थो इहा ऑब्ज़र्वेशन आहे उस्ताद जी ऐं उस्ताद सुठे उस्ताद जी निशानी इहा आहे की उहो सुठे तरीक़े सां ॿार खे ऑब्ज़र्व करे ऐं हर ॿार खे सुठो उस्ताद उन ई तरीक़े सां न कंदो आहे ट्रीट पर जेकर हिकिड़ो उस्ताद आहे उनजे क्लास में जेकर 12 शागिर्द आहिनि त यकीननि उहे 12 जेके शागिर्द न पर 12 डिफरेंट ब्रांड्स आहिनि ऐं उन्हनि जूं 12 डिफरेंट शख़्सियतूं आहिनि त यकीननि उस्ताद हिकिड़ो कामिल जीअं उस्ताद हूंदो उहो उन सम्झी वेंदो त हिन ॿार खे धड़के जी ज़रूरत आहे हिन ॿार खे प्यार जी ज़रूरत आहे इक्वली मतिलबु की हिकिड़ो ई फॉर्मेट अप्लाई न कंदो केरु गुस्सो धड़को ऐं हर शइ जेका आहे सो ॿारनि ॿारनि ते हुजे
सो सुठे उस्ताद जी निशानी आए कि ऑब्जर्वेशन आए वाकई में ता दिसो ना क्लास में इतरा खोड़ सारा जके खोड़ सारा बार हुंदा ने उनन सबनी जेकडी अलग अलग नेचर हुंदी उनन सबनी के पढ़ाण उनन के मुंह देण उनन सा मतलब ता बार हुंदा घर में तब अस जके मापी हुंदा ने वही चना ने सारो दिन तंग कर छड़े दन पर अस सब बार जके 15-20 जके अगर क्लास में आहन ता एकडे टीचर जी जिम्मेदारी हुंदी आ जें जो सब्जेक्ट हुंदा वो उनके पढ़ाए भी उनके समझाए भी उनके साइलेंट सा बेहारे भी उनके डिसिप्लिन भी सिखारे उनके रूल्स रेगुलेशन भी सिखारे तो उस्ताद जी एक वनी अहमियत है बिल्कुल आई जकने उस्ताद जी गाल कयूं सेहत जी गाल कयूं बारन जी गाल कयूं त ताके नाजरीन खबर आ है के 2 अक्टूबर खां 8 अक्टूबर ताई पोलियो मुहिम जो स्टार्ट थी चुको है जेको पूरे पाकिस्तान में तमाम सूबन में तकरीबन सिंध बलोचिस्तान पंजाब खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर जम्मू कश्मीर में यह कैंपेन हले पी तकरीबन 40 मिलियन का वधीक जिके सो बार हदफ मन उनके पूरो करनो टारगेट आ है जिके कंदा त जिके भी वालदेन आहिन जेकर असा बारन जी तालीम जी गाल क्यों पिया असा चाहूं पिया कि जेकर सेहतमंद असो समाज होजे तो यकीनन तांखे इन इन कैंपेन जो हिस्सो थियणो पवंदो जेके भी वालदेन आहिन पंहिंजे बारन खे जेके 5 साल या 5 सालनि खां घटि जा जेके बार आहिनि उन्हनि खे पोलियो जा खतरा ज़रूरु पीआरियो ऐं जेकॾहिं उहा जेका टीम आहे पोलियो जी तव्हांजे घर जो दरवाज़ो खड़काए थी त पोइ उन्हनि खे वेलकम कयो उन्हनि सां तावन कयो ऐं महिरबानी करे कोई भी बार तव्हांजो तव्हांजे ॻोठ जो तव्हांजी कम्युनिटी जो कोई भी बार पोलियो जा फुड़ा पिए बग़ैर न रहे बिल्कुलु ऐं केर बि रहिजी न वञे या कोशिशि जेका आहे वालदेन खे करणी आहे असांजे वॾनि भाइरनि खे करणी आहे भेणियुनि खे करणी आहे छो जो असां जेकॾहिं ॿारनि जे बाक़ी मुस्तक़बिल जी ॻाल्हि कयूं था या असां उन्हनि खे अॻिते वधाइण जो सोचूं था त सभु खां पहिरियां त असांखे उन्हनि खे मूज़ी मर्ज़नि खां बचाइणो आहे जंहिंमें हिकिड़ो पोलियो बि मूज़ी मर्ज़ु आहे ऐं जॾहिं पोलियो कंहिं बि ॿार खे ख़ुदा न ख़्वास्ता थी वेंदो आहे त उहो सॼी ज़िंदगी जे लाइ इंसानु माज़ूर थी वेंदो आहे ऐं पोइ एहसास कमतरी जो शिकार थींदो आहे भले पोइ तव्हां उनखे केतिरी बि हिमत ॾियो हिमत अफ़ज़ाई कयो कुझु बि कयो पर ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे हिकिड़ो नेचर आहे इंसान जी ऐं उहो हमेशा डिसहार्ड रहंदो आहे माण्हू त इन्हनि सभिनी शयुनि खां बचण जे लाइ जेको आहे असांखे पोलियो जा जेके कतरा आहिनि उहे पंहिंजे ॿारनि खे ज़रूरु पीआरणु खपनि 5 सालनि जी उमिरि में जेके बि असांजा ॿार आहिनि 5 सालनि जी उमिरि ताईं तव्हां उन्हनि खे पीआरियो छो जो चवंदा छा आहे स्लोगन आहे इन्हनि जो त फ़ैसिलो अॼु करिणो आहे जेकॾहिं तव्हांजे बिल्कुलु छो ज़ाहिर ॻाल्हि हर माउ पीउ चाहींदा त असांजा ॿार जेके आहिनि पंहिंजे पेरनि ते उहे बीहनि ऐं माउ खे त उहो ई घणो हूंदो आहे अगरि ॿार जी उमिरि हुन हिसाब सां अची वेंदो आहे त चवंदी अञा ताईं ॻाल्हायो कोन अथसि अञा ताईं अहिड़ो कुझु मतिलबु हलियो कोन्हे पंधु कोन कयो अथसि या जेके असां सिंधी में चवंदा आहिनि बांबड़ा पवंदो आहे ॿार त माइरियूं त खोड़ सारो इन्हनि शयुनि जो ख़्यालु रखंदियूं आहिनि त सभिनी माइरुनि खे पीअरनि खे गुज़ारिश आहे त पोलियो जा कतरा ॿारनि खे पीआरियो सो बहरहाल ब्रेक जो बि टाइम थियो आहे सलाम सिंध में वठंदासीं ब्रेक ऐं ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हायो वेलकम बैक व्यूअर्स एक दफ़ो बीहार अवांखे सलाम सिंध जी हिन सोणी ट्रांसमिशन में भली कार पिया कयूं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे की अॼु उस्तादनि जो आलमी ॾींहुं आहे त असां जॾहिं बि को किरदारु ॾिसंदा आहियूं को सुहिणो किरदारु ॾिसंदा आहियूं को कामयाबु इंसानु ॾिसंदा आहियूं ऐं उनजी कामयाबी ॾिसंदा आहियूं त यकीन सां असांखे उहा शइ इंस्पायर कंदी आहे जॾहिं असां उनजे बारे में ॼाणण जी कोशिशि कंदा आहियूं त असां उनजी कामयाबी छो आहे कहिड़े तरीक़े सां थी आहे त तव्हां जेकॾहिं उनजे रूट ते पुॼंदो त उनजे रूट्स में तव्हांखे पेरेंटिंग उनजी मिलंदी तव्हांजा पेरेंट्स मिलंदा वजह हूंदी ऐं ॿियो उनजो उस्तादु हूंदो सो उस्तादु हिकु शागिर्द जी हिकु इंसान जी ज़िंदगी खे तब्दील करण में उनजो वॾो हिकिड़ो रोल हूंदो आहे हिकु सुठे उस्ताद जो बिल्कुलु ऐं इहा ॻाल्हि तव्हां ॾाढी सुठी कई आहे सिर्फ़ु त सुठे उस्ताद जीअं असां इंट्रो में बि ॻाल्हि करे चुका आहियूं त कंहिं बि शोबे सां तव्हां भले छो न सलाड़ियल हुजो पर उस्ताद जेको आहे उहो ज़रूरी हूंदो आहे उस्ताद सां जो टीचर जेको आहे असांजो पीउ बि थी सघे थो माउ बि थी सघे थी असांजो वॾो भाउ बि थी सघे थो भेण बि थी सघे थी पर उस्ताद खां सवाइ असां शायदि अॻिते वधी नथा सघूं कंहिं बि कम में तव्हांखे उस्ताद जी ज़रूरत लाज़िम पवंदी आहे
आई उस्तादी साई अगर ऐसा को कम स्टार्ट करना है ना प्रॉपर एक रोजन ता के कम तचे तो पर ता के उस्ताद जी जरूरत आ जो को ता के सिखारे रूल्स रेगुलेशन सिखारे सिस्टम सिखारे उथड़ मेरे जो तरीको सिखारे त ये सब शयू असा के स्कूल खा ही मिलन दियन असा ज जके पेरेंट्स हैं वो सनी तरबियत तकंदा हैं पर जका असा के वधिक जका मुआशरे में असा किए उठू वेहूँ असा जी पढ़ाई के हिसाब से तो उस्ताद असा के पढ़ाई तो है पर खोड़ सारी शयू असा के भी उस्ताद खा ही सीखण के लिए मिलन दियन अजकल जा जके टीचर्स हैं या अजकल जा जके स्टूडेंट्स हैं या पहरा वारा जके टीचर होया या पहरा जके स्टूडेंट होया उनते भी असा थोड़ो गलाइनासी तो पहरा वारा जके टीचर्स होया उनन जी जके असा जा स्टूडेंट्स इन के रिस्पेक्ट कंदा होया आई शायद ताके याद हुनो तो टीचर जको आहे भले वो मेल या फीमेल हुजे असा पने पी खावदी का टीचर खन रिदासी छोकरा छोकरियों अगर किथे ता दिसी छड़ो पने टीचर के ते शायद छोकरा ता गली में मटाए छन माने यो एकडो ड्रेण भी आए पर इज्जत भी करना है त सन उस्ताद बिठवा त सन गली मा सके ना है बनणो ए उन इज्जत जी गाल के उन ऑनर जी गाल के उन रिस्पेक्ट जी गाल के त असा हर नी त मलाइना हूं पर अजो कोनी की असा मिस कर सकूं था जिनन उस्तादन जे करे असा इन मंजिल ते आए हूं आई असा जे कने कुछ हन टाइम असा जी औकात है हसियत है कुछ गलहण जी एकड़े उस्ताद जे करे ही असा के यकीनन मिली आ है आई मा समझा तो के ताके कोई भी थोड़ो कुछ भी थोड़ा लफ्ज भी केर सिखाए तो वो भी ता जे उस्ताद ही आ है उनके इज्जत जो आई जेको भी ता जो फेवरेट टीचर आ है मा कुछ पंजा उस्ताद जिन जो नालो खण जरूर खणनम असा के जिनन पढायो साई सलेमान सियाल साहब थी या साई मूसा सियाल साहब थी या मुझा सियाल जी टीचर्स रहा साई मुझे कॉलेज में साई गफार की अब्दुल गफार कीरियो थी वो सरफराज सियाल थी वो मसरूर सियाल थी मतलब सब सियाल ही हुआ काफी छो असन एकड़ो कम्युनिटी उते आए उते स्कूल में अस पढ़या भी आयो त काफी मतलब असन रिलेट असन आए उस्ताद सब मतलब उस्ताद सियाल सियाल ही उस्ताद वाह वाह जबरदस्त सो आई आणे हाणे जेके असां सां मौजूद जेके मेहमान वेठा आहिनि हलूं था उन्हनि जी तारीफ़ जी तरफ़ ऐं उन्हनि जेको आहे सो उन्हनि खां पुछंदासीं हिकिड़ो त पुराणो हिकु दौरु कहिड़े तरीक़े सां जदीद दौर में असां एजुकेशन खे ॾिसूं था ऐं कहिड़े तरीक़े सां उनखे बहितर बणाए सघूं था त हलूं था उन्हनि जी तारीफ़ तरफ़ रमेश कुमार साहब असांजा आहिनि तमामु एनर्जेटिक एजुकेशनिस्ट आहिनि ऐं मैंटोर बि आहिनि एजुकेशन ते उन्हनि सां खोड़ सारी कचहरी कंदासीं सोशल एक्टिविस्ट बि आहिनि ऐं उनखां पोइ आहिनि अब्दुल वहाब साहब अब्दुल वहाब साहब तव्हां बि जेको आहे सो हिकिड़ो प्राइवेट इंस्टीट्यूट आहे उनखे रन कयो पिया तव्हां सां बि कचहरी कबी इनशा ऐं कामरान अहमद सुमरो साहब असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जाबेस्ट में साई भी मेंटरशिप मन कन पिया काफ़ी उन्हें जो एजुकेशन ते जो कम थियल है कम थियल है इन्हों जो इन जा विचार हैं तालीम के हवाले से उस्ताद के हवाले से सो उन्हें बाकायदा आगाज अस क्यों पा कचहरी जो रमेश कुमार साहब सब खां पैर तारे अचूँ पा अस कड़ा की चैलेंजेस जो अजकल के दौर में तुम ऐसो पा कि एजुकेटर्स के लिए खास करो फेस करें पो सभी का पैं थैंक यू वेरी मच तुम शो से असिटेशन मोकली बाकी अज जो टॉपिक तो ढो जबरदस्त है उस्ताद से रिलेटेड अजकल जे भी उस्ताद के कर अस भी जगह से पौता है सिर्फ असन सुठन उस्ताद के कर एजुकेशन जो है सो तमाम इम्पोर्टेंट आई है प्लस एजुकेशन के पुठियां जो उस्ताद जो टीचर जो जो सो रोल है वो ढो काबिल तारीफ़ है जी अस वक्त में नंढे होंदे इंटीरियर सिंध में जो है सो पढ़ाई कई तो जी भेण असि बुधा तो उस्ताद का असि ढा डिजा हुआसि एतो जो है सो वालदेन का न डिजा हुआ जो उस्ताद का डिजा तो वो उन ही डिजा हुआसं तो अस जिंदगी में अगर कुछ वधण जो असो सो जज्बो हो ए वो जज्बो बुलंद करो कहो वो असो टीचर अस उस्ताद हुआ जी तुझा तो कुछ सियाल जो टीचर हुआ जो तड़ी मदद कई तक अगैं वन में तीन अस भी काफ़ी एडा सुठा सुठा टीचर हुआ जी मैं टीचर्स जो नालो बुदाया अकबर साहब हो ईसा साहब हो या अब्बास साहब हो सुठा सुठा टीचर जो असो अगैं वन में हिम्मत अफजाई कई बाकी अजकल के दौर में जी तुम त एजुकेशन तो आई है पर टीचर जो रोल एतरो ही इम्पोर्टेंट है
टीचर चाहे तो आऊं मैक्सिमम जेको है सो पेंजे बारन के दिया यो जेको है सो तमाम अकड़ी सुठी गाल है ए जेकडे वे टीचर्स जेके से कंता मेहनत त शागिर्दन जो ब यो जेको है सो कह त वो ब जेको है जेका मेहनत टीचर करे तो असा ब जेको है सो वो आउटपुट जे सिमिलरली चंदा है ना जे तवा इनपुट न दींदा त ता आउटपुट की निकलो सही त इनपुट ए आउटपुट जेको है सो डाडो बैलेंस्ड हो जान खपे त इनही करे मुजे हिसाब सा अज जे दौर में एजुकेशन की तमाम इंपॉर्टेंट है एजुकेशन सा तवा सब कुछ करे सको ता पर टीचर जी जेका सा वैल्यू इंपॉर्टेंस है वो कदे विसारे अच्छा जे ता इनपुट ए आउटपुट जी गाल कई त अगर शागिर्द अगर असो टीचर असा सुठे तरीके से पढ़ाए तो शागिर्द के भी पढ़न खपे ए उन जे पेरेंट्स ते भी जाहिर गल अजक जी इन तक बुधा तो मुझे नोट इन अगर का बार का गलती थे थी या कोई बार कें गाल के नो समझे तो पर जैसे पहले दौर में वनू अस तो उन दौर में असाजे घर में जो मायर होंद या असके पियर थी या डाडे डाडी जो दौर में चवंदस उनमें उतरा पान पढ़ल को हों तो बार दिसन त स्कूल में पढ़ी आया इनके होमवर्क कड़ो मिलो इनके समझाएन ना समझाएन सिर्फ टीचर से ही अस उन हवाले कर छींदी बार तब उत उन बार के मतलब अज के बार से अगर कंपेयर कजें तो वह बार होशियार हो अज के बार का यो छो तमाम सुठो क्वेश्चन है इन जो मेन मकसद यो ही है त अगूणे जमाने में जी तुम पान बुधायो त असांजा पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स एतरा एजुकेटेड न हुआ त टीचर्स जेको आ सो डाडो उनते मेहनत कंदा हुआ ऐं टीचर्स चवंदा हुआ त बाबा ही असांजी माना हिकड़ी वॾी रिस्पॉन्सिबिलिटी सम्झंदा हुआ त ही ॿार जेतिरा बि असांजा आहिनि त हिननि जा पेरेंट्स एतिरा एजुकेटेड न आहिनि त असां पंहिंजो पूरो 100% ॾियूं त उन सां फ़ाइदो इहो जॾहिं उहो टीचर जेको आहे सो साम्हूं वारो एॾी 100% करे पियो त ॿार ऑटोमेटिकली शागिर्द उहो जेको आहे सो लगाव सां चाह सां जेको आहे सो अॻियां वधी वियो आहे पर अॼु जेकॾहिं तव्हां कंपेरिज़न कयो त जेको आहे सो नोटबुक ते लिखी था ॾियनि त उनजो इहो मक़सदु आहे त टीचर्स में जेको आहे सो एतिरी विलिंगनेस न आहे उहा चाह न आहे पंहिंजे प्रोफेशन सां उन ई प्रोफेशन सां जेको आहे सो चाह वधाइण जे लाइ गवर्नमेंट लेवल ते प्राइवेट लेवल ते असांजा ॿिया साथी डॉक्टर साहब वधीक एक्सप्लेन कंदा त कीअं टीचर्स खे ट्रेनिंग जेको आहे सो कराई वञे थी जीअं मां पंहिंजो एग्ज़ाम्पल ॾियां एफिलेशन आहे हिकिड़े स्कूल सां स्कूल में वञी करे जेके से टीचर्स आहिनि उन्हनि खे असां जेको आहे सो ट्रेनिंग ॾींदा आहियूं गाइडेंस ॾींदा आहियूं त तव्हांजो कमु इहो न आहे त तव्हां सुबुह जो 9 खां वठी ॾींहं जो मंझंदि जो 2 बजे ताईं जेको आहे सो 40-50 ॿार आहिनि उन्हनि खे पढ़ायो सिर्फ़ु पढ़ाइणु त हर को अची करे साम्हूं ब्लैक बोर्ड लॻो पियो आहे सॼो पढ़ाए करे हलियो वेंदो आहे पर तव्हांजी अटेंशन केतिरी आहे तव्हांजी जेको आहे सो लगाव केतिरी आहे ॿारनि सां केतिरी लेवल ताईं तव्हां जेको आहे सो ॿार खे जेको आहे सो तव्हां पंहिंजो सम्झो था पंहिंजो ॿार सम्झी करे पढ़ायो सही चवंदा आहिनि त पंहिंजो ॿारु जेकॾहिं ग़लती करे त चवंदा आहिनि त चलो ठीकु आहे नंढो आहे ॿारु आहे पर उहो साॻी उमिरि वारो पाड़ेसरी जो जेकॾहिं ॿारु करे त पोइ त तव्हां शुरू थी वेंदा आहियो पोइ भले मर्द हुजे औरत हुजे त पोइ शुरू थी वेंदा त उहो ई लगन जेको आहे सो जॾहिं तव्हां स्कूल में वियो था जॾहिं असां ट्रेनिंग कराईंदा आहियूं त इहे 40 ॿार तव्हां सम्झो तव्हांजा पंहिंजा ॿार आहिनि बिल्कुलु तव्हांखे पंहिंजो जेको आहे सो 100% जेको आहे सो ॾियणो आहे जेकॾहिं उहो तव्हां 100% ॾींदा त ॿार ऑटोमेटिकली तव्हांजा जेको आहे सो अट्रैक्ट थींदो हू चवंदा आहिनि हिकिड़ी जेकॾहिं स्माइल तव्हां कंहिंखे पास करियो त ऑटोमेटिकली उनजो असर जेको आहे बिल्कुलु ऐं हिकिड़ो जेको आहे माण्हू जेको आहे सो सफ़ा कावड़ में वेठो हुजे त केरु उन वटि वेंदो त केरु ई कोन वेंदो चवण जो मक़सदु इहो आहे त उहा शइ जेको आहे हुजणु करे जिते जिते ग़लतियूं नंढियूं नंढियूं हुजनि थियूं ॿार करे थो त उन्हनि खे तव्हां हेल्प आउट करियो उनखे सपोर्ट करियो जेकॾहिं टाइम ख़तमु थी वियो आहे चलो को मसलो कोन्हे पाण वरी सुभाणे जेको आहे नेक्स्ट डे ते उहो साॻियो जेको आहे तव्हांजी ग़लतियूं सुधार हाणे अचूं पिया असां अब्दुल वहाब साहब अब्दुल वहाब साहब आप जो है हिकु कोचिंग सेंटर बि रन कर रहे मैं हमेशा यही क्वेश्चन दोहराता भी हूँ और मैं समझता हूँ ज़रूरी भी है कि क्यों ज़रूरत पड़ गई हमें जब हमारी जो एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी बेहतर अभी हो रहा है तो कुछ रिज़ल्ट आना चाहिए मतलब ऐसा क्यों होता है कि बच्चा जो है स्कूल से पढ़कर भी आता है और पेरेंट्स फीसेस भी मतलब वो उनकी रिक्वायरमेंट्स पे करते हैं एक्टिविटीज़ पे अलग पैसे लगाते हैं तो फिर मतलब ऐसी क्यों ज़रूरत पड़ती है कि ये कोचिंग सेंटर्स भी मतलब साइड पे खुले हुए हैं और फिर वहाँ पे भी जाते हैं देखिए सबसे पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया हमें और आज जो दिन है बहुत मुकद्दस दिन है देखने जाएँ तो और इसकी जितनी तारीफ़ की जाए और जितनी हम इसको ट्रिब्यूट करें बहुत कम है जहाँ तक बात आती है आपके सवाल की तो देखें आसिफ भाई मसला ये है कि हर बच्चा इक्वल नहीं होता सही है क्लासेस में
एक स्टैंड होती है बच्चों की, और टीचर के लिए मुमकिन नहीं होता या फिर बच्चों के लिए कहीं कहीं मुमकिन नहीं होता कि वो उस चीज़ को समझ सकें। तो इसके लिए ट्यूशन सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स होते हैं जो उन बच्चों को क्या करें, इसकी प्रिपरेशन करवाएं। अब अगर ऐसा होता कि तमाम स्कूल में अगर क्लास में एक 50 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, वो 40 बच्चे ही अगर ट्यूशन ले रहे हैं तो फिर स्कूल से ज़्यादा हमें ट्यूशन नज़र आते, मगर ऐसा नहीं है। हर बच्चा ज़रूरी नहीं कि वो ट्यूशन ले रहा हो, वो बच्चे ट्यूशन लेते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, और हकीकतन वही बच्चे जिनको ज़रूरत पड़ती है वो कोशिश भी करते हैं और अपनी एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए जितना हो सकता है मुमकिन वो अपने लिए मेहनत करते हैं। मेहनत करने का मकसद भी यही होता है कि वो अपने मुस्तकबिल को अच्छे से अच्छा बनाए। और जो टीचर्स होते हैं, ट्यूशन टीचर्स होते हैं, वो यही कोशिश करते हैं कि जो बच्चे की वीकनेस है उसको दूर करें। ठीक है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि अगर एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 40 के 40 ही ट्यूशन नहीं लेते, उनमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ बात आती है कि पेरेंट्स तो चाहते हैं, सब पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा ट्यूशन पढ़े, तो कोई अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, उस वजह से भी वो ट्यूशन नहीं पढ़ाते। और अगर आप कोचिंग सेंटर ज़ाहिर से बातें इतने अरसे से चला रहे हैं तो आपको ज़्यादा मालूम होगा इस चीज़ का कि ट्यूशन ही ज़रूरत क्यों पड़ती है। मतलब सवाल इनका ये था बेसिकली कि ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अगर आप बच्चों में क्या देखते हैं कि इसको अगर बच्चा कोई कमज़ोर है तो इसको स्कूल में क्या नहीं समझाया जा रहा है जो आपकी टीचर समझाएंगी। देखें, वहाँ पर जो हमारे पास जो किसी की भी ट्यूशन सेंटर से अगर आप देखने जाते हैं ना, तो वहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन दिया जाता है बच्चों को। ठीक है, ट्यूशन का मकसद ये होता है कि बच्चों को इंडिविजुअल प्रिपरेशन करवाई जाए। ठीक है, हर बच्चा इतनी स्ट्रेंथ में नहीं पढ़ सकता। एक वीक पॉइंट बच्चे में ये होता है कि मैंने आपसे ये कहा कि बच्चे सारे इक्वल नहीं होते, तो वो लैकनेंस होती है बच्चों में। वही जो हमारे ट्यूशन की या इंस्टीट्यूट की टीचर्स होते हैं वो इस चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, और फिर इसके बाद उनको उस चीज़ की तैयारी करवाते हैं। अब बहुत से बच्चे होते हैं मैथ्स में वीक होते हैं, फिजिक्स में वीक होते हैं, साइंसेस में, इंग्लिश में वीक होते हैं, तो ऐसी चीज़ें आती हैं जो देखें, हर टीचर का पढ़ाने का अंदाज़ अलग होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स मुझे पढ़ा रहे तो वो मुझे समझ भी आ जाए। ठीक है, अब कोई ऐसा भी नहीं है कि जो पढ़ा रहा है उसका समझ में बिल्कुल जल्दी भी आ जाए। तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो बच्चे होते हैं वो ट्यूशन की तरफ जाते हैं। और बेशक ये बात भी आपकी सही है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसके लिए भी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं या डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हर बच्चे को हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा मतलब कि कर सक रहा है तो हम इसको एडमिशन दे, अगर कोई नहीं कर सकता हमसे बात करता है तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि उनको एडमिशन देते हैं। अच्छा, जी, अच्छी बात। डॉक्टर कामरान सुमरो साहब, तव्हां भी जीअं मिसाली ॻाल्हि असां डिस्कस कयूं पिया कि टीचर्स जो हिकिड़ो असां इंटीरियर वारी एजुकेशन बि ॾिठी आहे रूरल एरियाज़ में बि, ऐं हिन टाइम माशाल्लाह तव्हां हिकु सुठे इदारे में जेको आहे सो पंहिंजी सर्विस सर्व कयो पिया, त कहिड़ा मतिलबु उहे इनोवेटिव टीचिंग मैथड्स मतिलबु जेके हुजणु खपनि, जेके पहिरियां असां ते अप्लाई न थिया, या हिकु डिजिटल दौर आहे उन में तव्हां छा सिखियो आहे, तव्हां पंहिंजे हिसाब सां कहिड़ा उहे मैथड्स अप्लाई कयो पिया हिकिड़े स्टूडेंट्स ते? जी आसू साहब, थैंक यू, तव्हां असांखे इनवाइट बि कयो, ऐं आई एप्रिशिएट द स्पेशल जेको टीचर्स डे आहे तव्हां सेलिब्रेट कयो था। इहो हिकिड़ो पॉज़िटिव मैसेज आहे त टीचर्स खे असां अहमियत ॾियूं था। हाणे तव्हांजो जेको सुवालु आहे त इहो तमामु इम्पोर्टेंट सुवालु आहे। जीअं दोस्तनि ॻाल्हि कई त टीचर्स जो रोल ते दोस्त ॻाल्हाए विया, हाणे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जेका रमेश ॻाल्हि कई त टीचर जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे। अॻे ज़माने में ॿार टीचर्स चेकिन फील कंदा हुया त असांजी ज़िमेदारी आहे पढ़ाइणो आहे, पर हाणे जेको दौर चेंज थो थिए, काफ़ी चैलेंजेस अचनि थियूं, इवन टीचर्स खे बि चैलेंजेस अचनि थियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ॿारनि जो तादादु वधीक आहे, अॻे ॿार में बि घटि हूंदा हुया, पॉपुलेशन वधी थी वञे, हर क्लास में 50 खां वधीक ॿार आहे। ठीकु आहे, त उनखे कीअं टैकल कजे, ऐं तव्हां जेको सुवालु कयो टीचिंग मैथोलॉजीज़ ते, इहो हिकिड़ो वॾो रिसर्च टॉपिक आहे अॼुकल्ह दौर में, छो जो जीअं कोविड जो ज़मानो आयो उन में क्लासिस बंदि थी विया, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल ते हुजनि या स्कूल लेवल ते, इन में हिकिड़ो अल्टरनेट ऑप्शन अची वियो ऑनलाइन क्लासिस जो, त इहो बि हिकिड़ो माना डायमेंशन्स चेंज थी विया त ॿारनि खे पढ़ाइजे कीअं। त उन में जेके मेन मेन शयूं ज़ाहिर थियूं उहे इहे हुयूं त ॿारनि खे इंगेज कीअं कजे, मेन जेको मसिलो आहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाणे मां क्वालिफाइड करे अची वियुमि, पंहिंजी बैचलर्स बि कई, उन खां पोइ मां जीअं पी एच डी करायमि, अज्यूम कयो वेंदो आहे त मूंखे बसि टीचिंग अची वेंदी। ठीकु आहे, इहा हिकिड़ो मिथ आहे, इन ते ॻाल्हाइणु घुरिजे असांखे, बाबा टीचिंग इज़ अ सेपरेट थिंग। तव्हां जेकॾहिं टीचर थियणु चाहियो था त तव्हांखे ट्रेनिंग करणु घुरिजे, अटेंड करणु घुरिजे, तव्हांखे सम्झणु घुरिजे त ॿारनि जी साइकोलॉजी छा आहे, मां कहिड़ी लेवल ते पढ़ायां थो, स्कूली लेवल ते पढ़ाइणु इज़
बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल इन में ताके हर बार के फोकस जणो जी साईं जन गाल कई तो ट्यूशन में जरूरत छोती पे तो हर बार जी लर्निंग डिफरेंट गाल कई तो इलाही अहम टॉपिक आ है जो सवाल ता खासिफ कयो आ है तो थोड़ो डिटेल में गालिंदा पर असान सॉन्ग पर सिंगर जो तमा तारुफ कराया सा जो तमाम सुरीलो सिंगर इन टाइम असा जे इन सेट ते मौजूद आहेन मीर मोहम्मद साहब भलीकार पे क्यों ता के आई माशाल्लाह ता सा एकरो सेकंड असा एकरो शो क्यों पे आई ता नवाब शाह खां आयो ता आई ता के ता भी एकरो समझो के उस्ताद आयो छो जो राग जो भी जो असो उस्ताद एकरी एजुकेशन आई हा भी आई माशाल्लाह तो असा के प्रोग्राम में छा था बुदायो आने सिंध असा जी सोने थई ओ सिंध असा जी सोन अथई भली जाचे दिस संसार कोन मिलंदई किथे सिंध अमड़ जेड़ो प्यार कोन मिलंदई किथे तोखे सिंध अमड़ जेड़ो प्यार आयूं असा वफादार अमजद बिरोही चे पंजी अमड़ सा असा जी ही धरती सुहारी आ सिंधड़ी असा जी ही धरती सुहारी आ सिंधड़ी असा जी ही धरती सुहारी आ सिंधड़ी पंज साह खावत पंज साह खावत प्यारी आ सिंधड़ी असा जी ही धरती प्यारी आ सिंधड़ी असा जी ही धरती सुहारी आ सिंधड़ी पंज साह खावत पंज साह खावत प्यारी आ सिंधड़ी असा जी ही धरती सुहारी आ सिंधड़ी असा जी ही धरती सुहारी आ सिंधड़ी
छा लिखा मां फारुक चैलगारी लिखी छा लिखा मां फारुक चैलगारी लिखी छा लिखा मां फारुक चैलगारी आए सोन सारी आए सोन मुजी आए सोन मुजी सजी सारी सिंधड़ी असाजी ही धरती सुहारी असंधड़ी असाजी ही धरती सुहारी असंधड़ी पज साह खावत पज साह खावत प्यारी असंधड़ी असाजी ही धरती सुहारी असंधड़ी असाजी ही धरती सुहारी असंधड़ी हक मौला जबरदस्त जबरदस्त साईं म्यूज़िक जेके उस्ताद आहिनि हिकु त उन्हनि खे इल्मु हूंदो आहे राग रागनि जो पर म्यूज़िक जे थ्रू बि माण्हू एजुकेट करे सघे थो माण्हुनि खे जेके अवेयरनेस माण्हू पैदा करे सघे थो माण्हुनि जा जज़्बात जेके उभरंदा आहिनि उहो म्यूज़िक जे थ्रू ई उभरंदा आहिनि सो इन्हनि उस्तादनि जो बि वॾो कॉन्ट्रीब्यूशन आहे की सोसाइटी में जेको चेंज अचे थो जीअं मिसाल करे तव्हां सिंध जी ॻाल्हि कई उन मुहबत जो जेको जज़्बो जेको तव्हां उभारियो ऐं किथे बि न किथे इहो असरु रखंदो हूंदो पाण जी दिलनि में सो व्यूअर्स टाइम थी वियो आहे कमर्शियल ब्रेक जो मिलूं था हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ वेलकम बैक चीक दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे भली ॻाल्हि कयूं था सलाम सिंध में ऐं जे तव्हांखे ख़बर आहे त असांजो ख़ूबसूरत टॉपिक आहे वर्ल्ड टीचर डे ऐं उन हिसाब सां असांजी कचहरी बि हले पई ऐं कामरान अहमद सुमरो साहिबु जेको आहे उन्हनि खे आउं चवंदसि त पंहिंजी जेका ॻाल्हि हुई उहा कंटिन्यू कनि छो जो इलाही अहम सुवालु हुयो त मां आउं चवां पई डिटेल में तव्हां ॿुधायो टीचिंग जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे भले इहे प्राइमरी लेवल ते हुजे या यूनिवर्सिटी लेवल ते हुजे त ज़रूरत हिन शइ जी आहे त टीचर्स ट्रेनिंग ते केतिरो फोकस थो कयो वञे छो जो दुनिया चेंज थी थिए ऐं इनमें ट्रेडिशनल थाट जेको आहे न त हिकिड़ो ई टीचर क्लास में पढ़ाए ऐं उहो ई पढ़ाईंदो रहे क्लास वन खां पंजे ताईं इहो चेंज थो थिए हाणे तव्हां सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ते फोकस थो कयो वञे त तव्हां साइंस जा टीचर आहियो इंग्लिश जा टीचर आहियो त उनमें कैपेसिटी डेवलप कयो पंहिंजी पोटेंशियल डेवलप कयो छो जो ॾिसो ॿ शयूं ज़रूरी हूंदियूं आहिनि कंहिं बि सुठे टीचर लाइ हिकिड़ो कैपेबिलिटी माना उनखे उहो सब्जेक्ट जी एक्सपर्टी हुजणु घुरिजे ॿियो पैशन जज़्बो त इहे ॿ शयूं जेकॾहिं टीचर में आहिनि त उहो हिकिड़ो कामयाबु टीचर थी सघे थो ऐं जॾहिं मां चवां थो कामयाबु टीचर उन मतिलबु इहो आहे त ॿार जेके आहिनि उनजी ॻाल्हि सम्झनि था इहो अॼुकल्ह जो जेको टीचिंग मेथोलॉजी आहे उहो फोकस घणो ॿारनि ते आहे माना ॿारनि जी लर्निंग घणी आहे हाणे ॾिसो टीचिंग ते फोकस न आहे दुनिया में चवंदा लर्निंग केतिरी थी हाणे मां ईअं अचां क्लास में टे कलाक लाइ हलियो वञा मां ख़ुशि थी वञां त मां सुठो पढ़ायो पर ॿारनि केतिरो पढ़ियो लर्निंग केतिरी थी त हाणे हिनखे चवंदा लर्निंग बेस्ड आउटकम बेस्ड बेसिकली लर्निंग त ॿारनि जेको तव्हां हिनखे लेसन ॾिनो भले टिनि कलाकनि जो आहे या पूरे ॾींहं जो कोई तव्हांजो सेशन आहे उन में ॿारनि छा सिखियो कहिड़ी स्किल्स सिखियूं त उनजे करे असेसमेंट ते बि फोकस कयो थो वञे त ही हिकिड़ी मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा पैरामीटर्स आहिनि जेके टीचर्स खे सेखारिया था वञनि त तव्हां जॾहिं पढ़ायो था त ॿारनि ते तवजो रखो ऐं जीअं साईं ॻाल्हि कई त हर ॿार हिकु जहिड़ो न हूंदो आहे त तव्हांखे हिकिड़ी सुठी टीचर जी क्वालिटी इहा बि आहे त उहो क्लास में वञण खां पहिरियां असेसमेंट करे वेंदो आहे त कहिड़े ॿार में कहिड़ी डिसेबिलिटी आहे कहिड़ी लर्निंग जो मसलो आहे हुनमें त उन ते वरी इंडिविजुअल फोकस बि करे त उन लाइ पोइ टीचर माना ट्यूशन ते वञण जी ज़रूरत न पवंदी अच्छा अच्छा जीअं असां ॿारनि जी लर्निंग जी ॻाल्हि कयूं था त ॿार केतिरो सिखे थो या केतिरा स्किल्स हुन में आहिनि जीअं तव्हां टीचर्स जी ट्रेनिंग जी ॻाल्हि कई त टीचर्स जी ट्रेनिंग जे हवाले सां मां पुछंदसि त केतिरो टाइम टीचर्स खे ट्रेनिंग ॾियो था ऐं मतिलबु उहो कीअं हिकिड़ो असां ॿार चवंदा आहियूं त असांजो ॿार ई सिखी करे निकितो हाणे ई गुड स्टूडेंट आहे त गुड टीचर जी कीअं ख़बर पए हा इहो इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऐं इहा शइ सभिनी खे मञणु घुरिजे ईअं न आहे त मां बसि क्वालिफिकेशन करे आयमि त वञी करे पढ़ायां उन खां पोइ जेको इंटरवेंशन जेके चवंदा आहियूं असां त टीचर्स खे की बि लर्निंग करणु घुरिजे कंटिन्यूस लर्निंग करणु घुरिजे हाणे जीअं मां यूनिवर्सिटी लेवल ते आहियां त मां तव्हांखे पंहिंजो एग्ज़ाम्पल ॿुधाईंदुमि त इते हायर एजुकेशन कमीशन आहे सिंध हायर एजुकेशन कमीशन आहे इन जा प्रोग्राम्स हूंदा आहिनि त फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जी पोइ उनमें खोड़ शयूं हूंदियूं आहिनि सिर्फ़ु इन आहे त तव्हां सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हुजो उनमें फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास रूम खे कीअं मैनेज कजे रिसर्च कीअं कंडक्ट कजे ऐं इन खां अलावा तव्हांजो ॿारनि जी इम्तिहान कीअं वठिजे इहो हेॾो इंपॉर्टेंट टॉपिक आहे तरबियत तरबियत फॉर एग्ज़ाम्पल असां वटि जेको बोर्ड सिस्टम आहे इन ते बि क्वेश्चन मार्क आहे तव्हां 10 सवाल पुछो था ऐं पूरे सिलेबस मां पुछो था उहो में रटे वारा सवाल था पुछो माना ॿार रटो हणी अचे या कापी करे तव्हां हिनखे क्रिएटिविटी खे छो नथा फोकस कयो त टीचर्स ट्रेनिंग में इहे शयूं फोकस कयूं वेंदियूं आहिनि त तव्हां भले क्लास प्लानिंग कयो या उन्हनि जी असेसमेंट कयो
बारह के ये फील न कराया तो वो खौफजदा थे पेपर का या तक जो शुरू में गाल टीचर का डिजदा हुआ वो टीचर का डिजने जो डायमेंशन में भी बो हो पर अज के दौर में जब तुम टीचर का डिजन ही गाल कौ तो यहाँ माना नेगेटिव शे तो टीचर तुम्हारा फ्रेंडली होजन घुर्जे कंफर्टेबल होंद तो लर्न कौन उनमें ये तो लर्निंग सिर्फ ये ना तो व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड से बीह कर पढ़ा असेंगे सिखारे वो क्लास में जैसे टीचर मूव तो कर स्टूडेंट के वेझो तो वे तो इन पॉजिटिव वाइब्स इंदी उस्ताद माँ उ पॉजिटिव वाइब्स इंदी सीखने जो कंफर्टेबल थोड़ा बार तो बाबा मुझे टीचर जो मुझे कुछ सीखने चाहे तो टीचर्स ट्रेनिंग इज अ रेगुलर प्रोसेस यूनिवर्सिटी में छा सेमेस्टर की स्टार्ट में जो या सेमेस्टर वाइज सिस्टम आज तो उनमें सब्जेक्ट्स के हवा से भी टीचिंग मेथोलॉजी के हवा से तो दह बारह स्ट्रेटजीस ऐसो ना दह बारह स्ट्रेटजी क्लास के हिसाब से चेंज करणी ये ना तो एकड़ो स्टाइल सभी पढ़ाई सही मैं एग्जाम्पल तक कोट कदम जी हाँ सिंध गवर्नमेंट हायर किया टीचर्स तो इनमें तुम भी दिखो सोशल मीडिया से काफ़ी नवाण अचे थी इनमें तक जब बाल बुदायूँ एक तो कॉम्पिटेंस होजन घुर्जे और पैशन होजन घुर्जे तो ये नौजवान आया इनमें पैशन है एनर्जी है और पढ़ाने का चाहन कुछ डिलीवर था करना चाहन इनमें कन वो टेक्नोलॉजी खी था अचन क्लासरूम में मैं पाँच शिकापुर में बिलोंग तो क्या उतने एग्जाम्पल दिसो आया तो जी नई फैकल्टी हायर थी स्कूल लेवल से असाजे स्कूल में जहाँ पढ़ाई था वे पाँच हिस्से में खर्च था करन मल्टी मीडिया वी आया प्रोजेक्ट वी आया माना प्राइवेट स्कूल वो माहौल उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में दिनों बार लर्निंग दिसो वो रिकॉर्डिंग माना तीन सामू आ तो बार लर्न भी करन था उनमें माना एक पैशन ए फन एलिमेंट अची तो वे सर यो के टीचर के रिवॉर्ड दियो या उनके एप्रिशिएट कियो उनकी हौसला अफजाई थी यकीनन उनको हौसलो वधंदो तो वो अना वधी कुछ करन चाहिंदो रिसेंटली ता रिसो त एकड़े टीचर एकड़ो जको सो लड़काने वालो टीचर फारूक कपड़ो जे जो मन नालो जरूर खणदम तो उन जी जितरी मतलब तेजी सा वायरल एकड़ी वीडियो भई एक तो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिसो उनका मैथड्स नवा नवा उन टेक्नोलॉजी के अस हमेशा इतने मिसयूज थे दिखो है पर उन टिकटॉक जड़ी टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव अड़ो यूज किया है जो उनकी मतलब उन भी काफ़ी स्टूडेंट्स उन सुठा जो सो उनमें सो इंस्पायर थे टीचर्स थी वह सो बहरहाल सुठो कम थे पो हाँ बिल्कुल अच्छा अब्दुल वहाब साहब भी आन तो उन्होंने सवाल करना सी सो अस मुझे जहन में जो सवाल अचे तो कोचिंग के हवाले से आपके यहाँ जाहिर से बातें सरकारी स्कूल से भी बच्चे पढ़ते होंगे और प्राइवेट में भी तो और फीस का मैं जो मेरा बेसिकली सवाल है कोचिंग सेंटर वाले फीस इतनी लेते हैं कि बंदा प्राइवेट स्कूल की फ़ीस भरे फिर कोचिंग सेंटर की भी आपकी फ़ीस इतनी होती है तो ये फीस जो है वो तो जाहिर सी बात है कोचिंग सेंटर का जो ओनर होगा वही तय करते होंगे तो ये फीसेस इतनी क्यों है और सरकारी स्कूल से जो बच्चा आता है और प्राइवेट में वो क्या फ़र्क है दोनों की पढ़ाई में बहुत फ़र्क है पहली अच्छा। बात तो ये है कि प्राइवेट का जो बच्चा होता है वो एक अलग ही वे पर चल रहा होता है और सरकारी स्कूल्स के जो बच्चा आ रहे हैं ना हम जो देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं उनमें बहुत फ़र्क होता है फ़र्क की बात यह है कि उनके पास कोर्स तो होता है मगर मटेरियल नहीं होता यानी कि जो कॉपियों में मटेरियल होना चाहिए इनके पास जो जो टीचर्स इनको समझा रहे होते हैं ठीक है वो सारी चीज़ें नहीं होती इनके पास हम अगर उनसे पूछते हैं ना कि बेटा ये क्या है तो उनको नहीं पता अगर हम इसके बावजूद अगर प्राइवेट की तरफ जाएँ बच्चे से हम पूछेंगे बेटा आज क्या हुआ था तो वो एक चैप्टर का नाम लेगा तो उसकी पूरी हमारे को उसके बारे में पूरा बताएगा डिटेल देगा कि सर इसमें ये कैरेक्टर्स थे ठीक है और ये कैरेक्टर ने ये क्या था ऐसा था वैसा था ठीक है अच्छा हम इनसे कभी कभी ये भी पूछते हैं आपको कैरेक्टर कौन सा अच्छा लगा और क्यों लगा क्या वजह थी इसमें ऐसा क्या आपको समझ में आया कि ये आपको अच्छा लगा बाकी भी तो इतने सारे कैरेक्टर्स थे उनको आपने क्यों मतलब के ना वो हाईलाइट नहीं किया तो बच्चा बताता है अब कैसे बताएगा जब उसने पढ़ा होगा ना क्योंकि बच्चा आज से पहले तो इससे नाचना था उसको तो नहीं पता थी ये बातें ठीक है पढ़ के आया होगा स्कूल से जब भी उसको पता होता है ये फुकना नज़र आता है गवर्नमेंट के स्कूल्स में वो बच्चों में इतनी पावर नहीं होती और इतना उनके पास नॉलेज नहीं होती सबसे पहली बात दूसरी बात ये है कि जो फीसिस की बात है नो डाउट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हों चाहे ट्यूशन सेंटर हो चाहे कोचिंग सेंटर्स हों वो फीसिस लेते हैं क्यों फीसिस लेते हैं जाहिर सी बात है कि एक अगर मैं अपनी ही मिसाल दे दूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पास भी टीचर्स आ रहे हैं ठीक है उनको भी सैलरीज देनी होती हैं इलेक्ट्रिसिटी है इसके अलावा और सारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं ठीक है जो कि कोचिंग सेंटर का जो ओनर होता है वो बेयर कर रहा होता है तो अगर वो फीस को मैनेज नहीं करेगा उसकी टाइमलाइन को मैनेज नहीं करेगा तो वो किस तरीके से अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सकता है तो एक्सपेंसेस को भी बेयर करता है और जाहिर सी बात है एक ये बात भी है
कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ मतलब कि इतनी ही फीसिस को लेकर वो चल रहा होता है, बल्कि जहां उसको लगता है कि ये बच्चा डिज़र्व कर रहा है या ये बच्चा पे नहीं कर सक रहा होता, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बंद मुट्ठी होती हैं, किसी को पता नहीं होता। अच्छा। मगर वो उस चीज़ को चला रहा होता है, और ऐसा बहुत सारा देखने में भी आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते भी हैं कि कितने ऐसे बच्चे होते भी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से हों चाहे वो प्राइवेट से हों, ठीक है, उनके कभी किसी को दूसरे बच्चे को भी नहीं पता चलता कि इसकी फ़ी कितनी है, ये पे कर भी रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम प्राइवेट की तरफ जाएँ ना, तो आपको बुराइयाँ नज़र आएंगी कि यार इतनी फीसिस चार्ज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर वो रियल एजुकेशन भी दे रहे होते हैं बच्चों को, और बच्चों के साथ कोऑपरेट भी कर रहे होते हैं, पेरेंट्स के साथ वो सारा मतलब के रूल आउट कर रहे होते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं इनके बच्चों की कि क्या पोजीशन है, क्या बच्चे, ठीक है। आप साहब बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, और अभी हमारे पास साथ जो है कॉलर मौजूद है, सो चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आशिक कड़ा हाल जी भाई, हां ठीक ठाक, अभी बुदायो खुश आयो? खुश जी जी, खैर लोग तो आ बुदायो खुश आयो, खैर केर पे गलायो, किथा खा पे गलायो? अब हम मुख्तार मुगिर तो गलायो दुबई में। अदा कड़ा हाल वाले मुख्तार साहब, खुश आयो, खैरियत आ? जी जी, खैर लोग तो आज उस्ताद जो आलमी दिहाड़ो आ है, कुछ चवण चाहिंदो? जी हां, मुजो अब्दुल वहाब सा सवाल आ। जी सवाल ये हुआ था, जेके टीचर बार के पढ़ाएं था वो स्कूल में, असा उन्हें को ट्यूशन वठी था सको जा असा पांजा बार जेके बे हंद पढ़ाए सको? सही तो लिया ना, असा जो सवाल आयो अब्दुल वहाब असा वरी रिपीट के क्वेश्चन मुके समझ में ना भाई, अगर जो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं या बच्चियां हमारे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, अगर हम उसको अपना ट्यूशन पढ़ाना है उसी उस्ताद के पास, तो उनको तालीम दे दे या दूसरी जगह पे दे दे? अच्छा, मतलब वो कहने जिस टीचर के पास पढ़ रहे उसी से ट्यूशन दिलानी चाहिए या किसी और से? नहीं, मेरा मशवरा यही है, अगर ये सवाल, हाँ जी ठीक है, तां जो सवाल जो पाए अच्छी भी जवाब तां सही गाल सही तो करे ना, पोजे करे उन टीचर सा ना पढ़ तो प्रैक्टिकल में फेल कंदस? नहीं नहीं, मार्कू घटड़ी दो, मार्कू घटड़ी दो, मेरी बात तां कॉल करण जी जी। अब इससे एहसास कमतरी पैदा बहुत ज़्यादा होती है बच्चों को, कि बहुत अगर कोई बच्चा उसी टीचर के पास, स्कूल टीचर के पास ही अपने पढ़ रहा होता है ना, तो वो अगर वीक भी होता है ना, तो वो माशाल्लाह बड़े अच्छे नंबरों पे आ रहा होता है, देखा जाता है, अमूमन देखा जाता है, ऐसा ही होता है, और ये मैंने ऑब्जर्व भी किया है और फील भी किया है मैंने बहुत बार। तो मैंने एक बच्चा, एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, एक बच्चा है वो फर्स्ट आ रहा था बच्चा, उसकी पेरेंट्स आए बोलते हैं फर्स्ट आ रहा है, उसकी जो टीचर हैं अब उनकी कोई शिफ्टिंग वगैरह हो गई है, तो मुझे आपके पास बिठाना है, ठीक है। रिजल्ट कार्ड लेकर आई थी, बाखुदा फर्स्ट आया बच्चा, जब मैंने वो मेरे पास आया तो बाखुदा उसको अलिफ वे पे नहीं लिखने आ रही, मैंने बोला ये कैसे फर्स्ट आ सकता है, तो फिर मैंने उनकी मदर से कहा कि ये आप ये रिज़ल्ट लेकर आई हैं, ठीक है, अभी भी मेरे पास व्हाट्सएप पर वो चैट पड़ी हुई है, मैंने बोला आप ये रिज़ल्ट लेकर आई हैं, आप पढ़ाती कहाँ थी इसको, इसको तो कुछ भी नहीं आ रहा बच्चे को, मैंने बोला शायद मेरी गलती हो सकती है, बच्चा मुझसे नर्वस हो गया होगा, मेरी टीचर से नर्वस हो गया होगा, शायद नहीं कर पा रहा हूँ, एक दिन नहीं कर पा रहा, दो दिन नहीं कर पा रहा। तीसरे दिन मैंने उनके पेरेंट्स को मैसेज किया, मैंने बोला भाई बताइए क्या वजह थी, कहाँ पढ़ रहा था ये ऐसा कि अब बिल्कुल भी ये तो नहीं कर पा रहा, तो कहते हैं कि वो स्कूल टीचर के पास ही पढ़ा था, फिर तो मैंने बोला कि वो तो शायद प्रिंसिपल भी बन जाता यहाँ पर बैठ के। तो ये बात है कि अगर आप ये करते हैं तो फिर तो बहुत गलत बात है, आप इनको ऐसे टीचर्स के पास एडमिशन दिलवाएं जिसका कोई वास्ता ही ना हो स्कूल से, तो ज़्यादा बेहतर है। रमेश कुमार साहब, तहाँ माशाल्लाह जो मास्टर ट्रेनर भी आए हो, मेंटोर भी कंदा हो, तो कड़े तरीके से मेंटोरशिप जो है किरदार अदा कर सके थी बार जी प्रोफेशनल ग्रोथ ते सुठे असर असर कड़े तरीके से विझी सके थी? मेंटोरशिप बिल्कुल एकड़ो डिटेल नहीं, तमाम सुठो टॉपिक है, मेंटोरशिप तमाम एकड़ो इंपॉर्टेंस जो सो रोल प्ले करे थी, काफ़ी अड़ा मानू इन इवन जैसे पेंजे लाइफ में छाता करना चाहन उ ना खबर होंगी है, तो आफ्टर अठी क्लास का पो मैट्रिक में वनूँ तो करें खपे असा केड़ी फील्ड जो है सो करूँ, काफ़ी अड़ा स्टूडेंट्स जैसे मैट्रिक मैट्रिक उनखा हाँ करूँ खबर ही ना है, तो पेरेंट्स जो तक खबर है काफ़ी पान जहाँ से इंटीरियर सिंध जहाँसे बार उत्तर पेरेंट्स की जो एजुकेशन ना वे एजुकेटेड ना हूँ, तो उन्हें खबर है असं हाँ डॉक्टर थियूँ या इंजीनियर थियूँ या बी का फील्ड में वनूँ, काफ़ी अड़ा मूँ जैसे खणंदा प्री मेडिकल हाँ कन जो इंजीनियरिंग मन को लिंक ही ना है, तो किदा वनो है करण है उन डिस्टर्ब
तो हाँ असें कैरियर में जो है तो असो मेंटरशिप जो है सो टारगेट हों बार जो अस अठी क्लास का पे अड़ा बार जैसे खबर होजन खपे तो हाँ वे नेक्स्ट ईयर बोर्ड जहाँ एग्जाम दींदा तो असा किदा वनो है तो असा डॉक्टर थियणो है इंजीनियर थियणो है या बो को प्रोफेशन जो है सो करो है या बीबीए थे सीए थे काफ़ी जो इंट्रस्ट लेवल अस चवन फर्स्ट क्वेश्चन ये होंगे तक एक्सपर्टीज तमें जोन तक सो बायोलॉजी साइंस में सुठा तुम मैथ्स में सुठा या तुम बे कें टेक्निकल शेयर में जो है सो सुठा अजकल तिठो आई टी जी काफ़ी जो है सो बूम लगो पे है काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीलांसिंग जहाँ कोर्सिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अला मार्किट में अच्छा एकड़ो बार काफ़ी एतरा मूँ जैसे इवन मां एक ऑर्गनइजेशन में कम तो करा तो उते जैसे इंटरव्यू तकरीबन मोर देन 300 जो इंटरव्यू जैसे कर चुको आया तो उन में अड़ा बार हूँ जैसे कर अचन था ग्रेजुएशन हाँ खबर ना करूँ अब तुम इंटरव्यू दिनों मेजर छा में कर मेजर मां कर सर मार्केटिंग में मार्केटिंग में मेजर आए जॉब जो है सो फाइनेंस की लगी पी है तो तुम कें जो है सो कोपअप कह खबर ही ना तो वो अस चूं था पहलू उन स्टेज ते अचे ही न तो अस वो प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग जो अस डॉक्टर साहब गजी करूँ पाया जो मेंटरशिप स्किल्स डेवलप करूँ पाया लर्निंग स्किल्स करूँ था कैरियर काउंसलिंग स्किल्स जो इनसे बार में डेवलप था कर मतलब ये वॉलंटियरली क्यों पा या तारीख फॉर्म वगैरह है सर्विस प्रोवाइड कर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप जी उन बेसिस से अस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का बार एप्लीकेशन घुरा थ्रू इंटरनेट ऑनलाइन फॉर्म के जरिए उनमें असल में बेसिकली अस उनके टे शन जन की कोशिश कई से कम्युनिटी की सर्विस स्पेशली जरूरी है तो भले इंजीनियरिंग कर मेडिकल कर बिजनेस पढ़ो तो तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तक माइंड में हुजन घुर्ज तो कम्युनिटी लाइ करो इन गो एस डी जीज अजक वो चॉम आ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टॉक ऑफ द टाउन इनमें यो आ पूरी दुनिया इन कम करे थी तो 2030 तीन कुछ 17 गोल्स अचीव करना पाकिस्तान भी इनमें सिग्नेटरी है तो इनमें हाँ अस यो दोस्तों यो ख्याल है तो नौजवान वो किरदार अदा कर सकन था जो यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़न था अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकन था कम्युनिटी में रहन था कम्युनिटी जो हिस्सों इन यूनिवर्सिटी में जो बार एक बे इंटरेक्शन आ उत भी अस उनके वॉलंटियरली सोचो कम किया अस मेंटोर्स हुआ 16-17 मेंटोर्स हुआ उन्होंने एक गोल से कम कराया माना उन्होंने छा करायूं तो एक तो उन्होंने पाना समझो 17 गोल्स आइन छा सस्टेनेबिलिटी जा बिल्कुल इने अवेयरनेस तमाम जरूरी है हर इंडिविजुअल लाए जरूरी है जो असा एक माना जी मिसाल गल ता ऑर्गेनाइजेशंस में कम पे कयो ता त इन शे के अंडरस्टैंड कयो पे आयन ते आउट वे कयो पे पर हर मा समझा पियो जो आम मानु है इन के एसडीजीज ते मतलब अंडरस्टैंडिंग होजन खपे सो बिल्कुल सही ने कचहरी के असा कंटिन्यू कयूं ता असा जो मीर मोहम्मद साहब नवाब शाह मा ईंदा है असा बट सेकंड टाइम आयन माशाल्लाह तमाम सुठो गाइंदा सुठी बोली गाइंदा मां ये चंदम साईं हाणे असां खे केड़ो कलाम बुधायो पिया साईं तांखे असां सूफियानो बोल बुधायूं था असांजे दोस्त लायक अली अब्बासी जो आए साईं जी में मौजूद बैठा असां वाह वाह सूफियानो कलाम बुधायूं था तांखे अल्लाह मली रजा हो मारू मिट मली रजा सभी परख्यासू सौखी भाए सब को औखी तू ही तू ओ मौला मथा बुड़ो न लाहज बाझ जो अथमो में तू अन्या अथमो में तू अन्या मारन दे सांगन दे अथमो में तू अन्या है अथमो में तू अन्या मरन दे संगन दे वन्या।
नागन जी सुमण नथी दे हो दुख जा छा करे बाब नजीर सीने सूर सवा थिया मुखे चाक पवन था चीर हो सणा चीजल दिस फकीर जेक सूर न मज सड़ी वयो सिक संगन जी सुमण नथी दे सिकत संगन जी सुमण नथी दे जाग्यो वेठी थी रहां जाग्यो वेठी थी रहां सांगन डे आऊं वन्या वन्या मारन डे आऊं वन्या वन्या अथमो में तू अन्या अन्या है अथमो में तू अन्या अन्या सांगन डे आऊं वन्या डंडे आऊं वन्या वन्या जुताई जीअ खे जोरे छॾियो जुदाई जीअ खे जोरे छॾियो जुदाई जीअ खे जोरे छॾियो शाल पवार पसा पसा शाल पवार पसा पसा मोटी मारन ॾे वञा वञा मोटी सांगन ॾे वञा वञा अथमो में तूं अञा अथमो में तूं अञा अञा सांगन ॾे ऐं वञा वञा मारन ॾे ऐं वञा लाइक अलीअ जी आहियां अज़ल खां लाइक अलीअ जी आहियां अज़ल खां हो अहत अहमद माही हिकिड़ा में कॾहिं मोह न मोड़ा हो तो रख जावा मैं सिदक मूल न छोड़ा जह नाल बदी हां ते नाल छुड़सा मैं साईं दे नाल सोढ़िया अरबी ढोल ते कोल हुआ हिन मेजा नसीबा डोड़िया हो सरकार मतनी तू हो सदके वन्या मैं जानन चन हिन मैं ते करम किरोड़ा लाइक अलीअ जी अज़ल खां आयां ओ लाइक अलीअ जी अज़ल खां आयां गॾु अबणन सां हुजा हुजा हे गॾु अबणन सां हुजा हुजा मोटी मारन ॾे वञा वञा मोटी सांगन ॾे वञा वञा जीअं असां उस्ताद जी ॻाल्हि पिया कयूं जे असांजी सूफ़ी जेका टीचिंग आहे असांजी तसवुफ़ जेको आहे जेको आहे
तेके उस्ताद साई जानन चंद जो दोहिड़ो भी गाय साई जानन चंद समझो इंस्टिट्यूट है त ब्रेक जो टाइम थी असा भी थोड़ी कचहरी क्यों था सो व्यूअर्स टाइम थी कमर्शियल ब्रेक जो मिलूँ था इन ब्रेक का वेलकम बैक यूर्स एक दफो बीहर अवं भली कार जी तो अमीर मोहम्मद जो वेठा साई नवाब शाह मां मीर मोहम्मद साहब है मीर मोहम्मद साहब दिसो उस्ताद की गाल क्यों साई जानन चंद थी वह साई काफ़ी असके बुजुर्ग हैं जिन्होंने लिखो है यह भी तालीम जो म्यूजिक के थ्रू तालीम शायरी थ्रू जो तालीम एक ट्रांसफर कई आई तक गाय कर मान के एजुकेट किया पा ये जो नफ्सा नफ्सी वो दौर जो अस चवंदा दज्जाली दौर जैमें फितनो हो जैमें नफरतू होजन जैमें जेड़ा होजन मजहबी फिरके वारियत ओवरऑल इन में तो समझा पो यह तालीम जरूरी है केतरी जरूरी है तुझा तो कड़े तरीके से इनके अस एजुकेट कर सकूं था मान जो जिथे किथे हदू लग पन जी जैसे सचल साई चाह मजहबन मुल्क में मानू मुंझाया शेखी पीरी बुजुर्गी बेहद भुलाया किन नेवड़ी नमाजू पढ़ियों किन मंदिर वसाया सचल ओडो की ना अकुल वारा इश्क दे छो तो बेहद मजहब की हद आ पर सूफीअज़म वाहद वो आ जिते हद ना सूफीअज़म जो उन मानो दीवान भी अची तो सके को सिख भी अची तो सके उनके प्यार मोहब्बत मिले थी छो तो मदनी सरकार जो दीन में जात पात जो कोन हों सब को मानो अची सके पो ये सूफीअज़म जो वो सिलसिलो आ अच्छा एक गाल ये है कि हाँ सूफीअज़म में भी हाँ जो फिर शुरू थी इनके कमर्शियल किया सही उनमें जान सही फरमाय सूफी थे ढी दुखी गाल चे तो सूफी आए सच लखन में लभे कीन की हों तो किरोड़न में को बिल्कुल किरोड़न में को मोतू किबल तो मोतू जोगी जो थियो जानन चन चवे सचो सूफी सो जो मरण आगे जो मरे मरण आगे ही बना जो मोतू किबल थी मरे माना दुनिया जी तमना ख्वाहिश खत्म करे बिल्कुल पर यो मां समझा पे हो मां आजकल जिनके फरारी अख्तियार करनी आ ना जिनके नमाज ना है पढ़नी वो चंदो मां सूफी आ जी जी उन्हें खबर आ तो हाने वो मकाम जो है उन पुगा ना है ना पर जो सो उनके चवन ना फरारी अख्तियार कर तो उनके लिए बेहतरीन तरीको उन्होंने गोले छो तो मुझे सूफी थियणो आ गुम हो के वेख नजारा आप सारा महबूब की सूरत विच तो काफ़ी अड़ा कलाम फकीर जो गाया वाकई यो जड़ा हो चाहे रूह की गिजा है तो जैसे असके वाकई वह गिजा हासिल करनी है तो जैसे ये पोएट्रीज ये जो बोल अस उनके तस्वुर की गाल कई से फिक्र की गाल कई से बुधी कर ट्रैवल कर लगूँ समझो तो हाँ अस मजो वठूं पिया उन जो अच्छा हुआ आसिफ ता का पुछनस तहा माशाल्लाह ट्रकोड़ सारा सॉन्ग सेन हुआ आई हर म्यूजिक जे हवाले सा ता के वधिक ज्ञान है असा तो सिर्फ बुदंदड आयो पर ता म्यूजिक के पढ़ियो भी आ है ता पान के केड़ो म्यूजिक पसंदा मा इतरो यकीन ये कंदो के मा इतरो को खास को कारनामो अंजाम न रिनो पर म्यूजिक सा इश्क है गायकी सा इश्क रो है तो मुखे जो कोशिश होंगी है तो मैं हर किस्म जो म्यूजिक बुदा जै भी किस्म जो म्यूजिक हुए थोड़ो थोड़ो खुशबू इतना इतना उतना वो कोशिश कह हर रंग में जो सो मू रंग वे क्लासिकल हो पॉप हो रॉक हो हर जनरा के कोशिश कह टच क्या म्यूजिक तो बिल्कुल न बुदूँ तो मज़ो न आए इंदो जैसे सिंपली डेली मॉर्निंग ऑन द वे बैक टू ऑफिस जैसे कार में म्यूजिक न हलूँ तो माना जो डी सुठो न सही बिल्कुल जी अस टीचिंग की गाल कई से तक मास्टर ट्रेनर आयो ये भी अस एक्टिविटीज थी उनमें भी काफ़ी म्यूजिक की इन्वॉल्वमेंट अस डिठी है म्यूजिक के थ्रू थेरेपी थी एनर्जेटिक एनर्जी उन्होंने सो बूस्ट करने के लिए म्यूजिक जो भी इस्तेमाल थी ट्रेनर्स करना है बिल्कुल बिल्कुल म्यूजिक तमाम जो जरूरी है कदें कदें विच में को सेशन जो है सो जी कला डेढ़ कलाक जो है तो विच में अध मुने कला का ब्रेक का पो एकड़ो मड़ी स्लाइटली म्यूजिक जो हल्दा तो उन जो मकसद यो ही होंगे रिफ्रेश थियन वरी मानू दोबारा सा एनर्जेटिक जो थी वन अड़ा खोड़ सारा सॉन्ग्स नी विसरंदा जो कामरान गाल कई आसिफ के तुम तो तुम फला सॉन्ग जो है बुधा जो तुम नंढे लाइक बुधा हाँ खोड़ सारा अड़ा सॉन्ग हाँ मेमोरीज में अची वा तुम केतो
मुझो मां त जे शायरी भी कंदो आ पाण वाह वाह इन जे करे वरी थोरो वधिक जे हाने एंजॉय कयूं पिया हले पई म्यूजिक क्लासिकल टाइम म्यूजिक के मार दिस एंड बिल्कुल नफीस तबीयत मानू खामोश अंदर जो शायर होंदो आ बिल्कुल मानू शायरी सा कम्युनिकेशन आ ना यो थॉट्स के कम्युनिकेट करण जो स्टाइल आ शायरी साईं कुछ एक्सप्रेस कयो ना भला कम्युनिकेट कयो ना शायरी कयो ता तो ने कुछ बिल्कुल कुछ बुधायो शायरी में भला काफी आ काफी शायरी में बुक जो बुधायो इन में एकड़ो आ ओ नीहें देगा कुछ तरस भला ओ नीहें देगा कुछ तरस भला कुछ पल ही सही कुछ कुछ लम्हा ही सही कुछ शाम घड़ी मिली तो वठूँ महकी तो वठूँ इन का अग जो दूर थियूँ चूर थियूँ मजबूर थियूँ ओ नीहें देगा कुछ तरस भला कुछ पल ही सही मिली तो वठूँ महकी तो वठूँ आज़ाद नज़म तमाम बेहतरीन सही असल में एक्सप्रेशन सा जो थॉट्स मची वंदा थोरा हाले मच मखिन मत इमोशंस वारा हां वो अच्छी वंदा थोरा काते पुडियो सही रियलिटी अच्छी याद है मा वो गल के ना शायरी जगह है शायरी जगह है वो अंदर जे एहसासन के एक्सप्रेस करने के लिए यूज थिया है जे सही गल कही ता थॉट्स के एक्सप्रेस करने जो बे तरीको मौसिकी है बिल्कुल तो मौसिकी है शायरी जो पांच संगम है बई जे एक बे का अलावा जके ना था सकन अरे डर ता सा मिली मुके डाडी खुशी थैंक यू एकरे मानो ए सोल आई यू फर्स्ट टाइम यू डिठो आए तो जको रियलिटी अच्छी वे साबो अच्छा कॉल है कॉल वठना सी दिसना सी केरा किथा का हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरा हाजे नजरा जी मां बिल्कुल ठीक जी केर किथा का मां सना गलांदी सना की आयो ठीक आयो मां बिल्कुल ठीक आ जी सना प्रोग्राम में शामिल थिया प्रोग्राम में सो पिया ठीक ठाक घोट की खुश है मीरपुर मा थेलो ए घोट की गाल सकी सही केड़े किस्म जी दोस्त आयो ता के शहर याद ना है घोट की मीरपुर मा थेलो ना वही ना ओ घोट की बुधाई रे आज तू मने लाइव में जो को मखे मने गलत ए हो घोट की चले हाने बड़ी माऊ थी भई हाने हुआ थी भई तब मीरपुर मा थेले मा घोट की पेड़ा की इंदा नेट घोट की जिया ना मन ता मीरपुर माथेले वाली जेका दोस्त था घोड़की या पेड़ा गोरा हां पेड़ा खणी आई मुझे ला आ वो मुझे याद है बियो बुधाय सना की आयो ठीक आयो मां ठीक आ मां नाश्तो करना पे जता ने टीवी हले तो शाम वजरा की गई वाह 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 मने नाश्ते जो मजो जो को आयो वो घट थियो वदी थियो वदी अच्छा आसिफ सा गलन चाहिदो आसिफ हां 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 की सना की आयो तमा ठीक ठाक जी मां ठीक ठाक ठीक आदी बिल्कुल ठीक ठाक अजे टीचर्स डे आए टीचर्स डे जे हवाले सा ता कुछ पंजा ख्यालात वंडींदो स्टूडेंट आ पाण नन टीचरन जे शुक्र अदा करना से अज उनन जे करे असाई से आयो इन दे करे ता टाइम नाश्तो दा कियो नन रेगुलर कनायो ना पर नाश्तो ता डाडो देर सा ना कियो सना सब क्लास पढ़ी छड़े हैं हां तने केनो टैक ने दिल सा गाल लगस हां सही जो चाह चवन चाहि दो या तो में कम हो जरूरी नहीं तो ये डिड्यूस ही वाला और क्या करम आ जे को है वो मत आगे पो बुदाई न हां ना चलो चलो ठीक है मत आपका मेहरबानी मेहरबानी वरी मेहरबानी आई सना जो को है मीरपुर मथेले खां सा की कॉल कई आई मुजी फ्रेंड भी आ है दिसो ये उनन फ्रेंड जेके ता चोता गोटकी 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 मीरपुर मदल सारी गाला सो बरा लाऊ कदे वही रहा तो मखे थोड़ो उठियो तो गोटकी जा पेड़ा आंदास न मा जो शायद उता खाई है सो ये मुजी पुरानी कॉलर भी है पेड़ा ना पो दोस्तीया ना पेड़ा दोस्ती पो पेड़ा पेड़ा आया पेड़ा दोस्ती आई पेरी दोस्ती आई सही है आई बी गाली तो गिफ्ट भी आया ले सारा हां यार मुके उन प्रोग्राम जो दौरान गिफ्ट डाडा मिले ठीक अच्छा। केड़ो प्रोग्राम है सा कॉलर कुछ मोकल दई ना रे सा ई मने मथा मथा पसंद है ये गिफ्ट सो ना इतरा इमोशनल ही तो सने मेहमान इनन के तने आसा ने गिफ्ट अच्छा आपसे बात नहीं की हमने मौसी की हवाले से आप कितना कितनी दिलचस्पी रखते हैं थोड़ी थोड़ी इतनी कोई खास दिलचस्पी नहीं है वजह टाइम नहीं मिलता अच्छा टाइम नहीं टाइम नहीं मिलता ये तो निकालना पड़ता है मौसीकी के लिए टाइम टाइम बस सारा टाइम स्टडी में फिर स्टूडेंट्स के लिए निकल जाता है फिर घर भी है
जिसको टाइम नहीं होता ना वो एक बाथरूम सिंगर होता है, एक बाथरूम लिसनर भी बन सकता है, बन सकता है वो तो। चले ये म्यूजिक तो मतलब ये कि हर मैं समझता हूँ कि जो भी जिस शोबे में है मैं समझता हूँ उसको मैंने गुनगुनाते हुए म्यूजिक सुनते हुए जरूर देखा है। फारिक वक्त गुनगुना लिया। अच्छा महेश साहब तव अचा पो एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं तुम समझो पा कि डेवलपमेंट के लिए कें शागिर्द की केतरो जरूरी है, इन इंपॉर्टेंस जिते कुछ रोशनी विझो। बिल्कुल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तमाम जो है सो जरूरी है। इवन जे अस ट्रेनिंग्स वगैरह जो है सो करूँ था वो माना जो है सो पढ़ाई जो हिस्सो ना जो ट्रेनिंग अस करूँ था टाइम मैनेजमेंट से लीडरशिप स्किल्स से इंटरपर्सनल स्किल्स से ये डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेनिंग्स ये इट्स अ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यो तवाजो मैंडेटरी ना है तवा जो है सो MBBS करो तो ये ट्रेनिंग करो या तवा जो है सो इंजीनियर थो तो ये ट्रेनिंग न करो। यो तवाजी प्रोफेशनल लाइफ के जो है सो डेवलप थी कन जी तवा का भी शोबे में तवा वो तवा सपोज ग्रेजुएशन करे वह ग्रेजुएशन करण का पो जो है सो तवा अग्या कुछ पढ़ाई कोन कई तो तवा अग्या फ्यूचर में वो डेवलप्ड ही कोन थींदा जेस ताईं तवा ऑलरेडी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये स्किल्स हैं या जे ट्रेनिंग्स हैं जे तुम बुध हों शॉर्ट कोर्सेस जे काफ़ी ऑफर थींदा जी इतने क्लिफ्टन से भी एक इंस्टिट्यूट है वो शॉर्ट कोर्सेस था जो इनसे कराइन इट्स अ पार्ट ऑफ द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो उनसा तवाजी जो है सो ग्रूमिंग जो है सो थी तवाते जो है सो तिथे कम था करो तुम प्रोफेशनल लाइफ में हो किथे बो ये जो तक हेल्प आउट कह जो एग्जाम्पल दें तो डॉक्टर है तो डॉक्टर जो है सो खाली MBBS ना है दीक मेहनत करण के लिए अलग अलग नंढा नंढा कोर्सेस डिप्लोमा ये सब शूँ भी करणी थी पवन डिफरेंट सेक्शन छोन डॉक्टर डॉक्टर थी वजे ना यार गायनोकोलॉजिस्ट पीडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजिस्ट पर उन अलग अलग जो कोर्सेस ट्रेनिंग स्पेशलाइजेशन ये सब इन ही कर ही तो सो कैरियर के तवे रिज्यूमे के जो है सो डेवलप कन था पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ के बूम कन था। जो रिसेंटली मैं ट्रेनिंग कराई टाइम मैनेजमेंट स्किल से तो टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है सो यो ना सिर्फ तुम रिलेटेड आयो प्रोफेशनल लाइफ से पर्सनल लाइफ से भी ये साई जस्ट कुछ अगते मौसीकी से रिलेटेड किया तो मैं टाइम ना है सही। तो टाइम जो है सो हर शेला कढ़णो को पवन है यो तवे मैनेज करो पवन है जो मैं एग्जाम्पल दिनों तो सुबह जो मॉर्निंग में कार में म्यूजिक बुदा तो वापसी में अचान तो यो चाहूँ स्पेशली यार म्यूजिक के लिए टाइम कड़ा न यार ही अध घंटो जो सो मुझे खपे इन में म्यूजिक बुदा तो वो टाइम मैनेजमेंट तुम जो 24 आवर्स में 8 आवर्स के निंड जहाँ कड़ी छो तो उन हिसाब से कि जो है सो अगर तुम जो है सो 16 आवर्स मैनेज करो तो यो कि थियण खपे वो तवी पर्सनल लाइफ से कि इम्पेक्ट कह एंड प्रोफेशनल लाइफ से जो है कि उजागर थो तो ये नंढी नंढी एक्टिविटीज जो जरूरी हैं अदर देन जो है सो रिलेटेड टू स्किल्स डेवलपमेंट एंड स्पोर्ट्स भी जो है सो ढो सो इम्पोर्टेंस बिल्कुल बिल्कुल स्पोर्ट्स में लीडरशिप स्पोर्ट्स में भी काफ़ी मतलब जहनी तौर तद भी फिट रहा जिसमानी जिसमानी अस लास्ट टाइम एक मेंटोरशिप प्रोग्राम कर 6 weeks जो प्रोग्राम हो असा एक वीक स्पेसिफिकली सिर्फ स्पोर्ट्स जो रखो स्पोर्ट्स जो रखो तो इनमें जो है सो जो गर्ल्स हुई तो गर्ल्स जो जिन स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज़ होंदय बॉयज़ हैं तो जिन से क्रिकेट और फुटबॉल में जिनसे इन्वॉल्व हुआ जो काफ़ी माना 7 weeks के प्रोग्राम में तुम एक हफ्तों जो मिड ऑफ जो थे तो न तो 3 हफ्ता जो तुम कर चुका और 3 हफ्ता बाद में कह उन विच ऑफ एक हफ्ते में जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज थी न तो वो माना वाह हो मुझे हिसाब से ढो जो फीडबैक मिलो ना दैट वॉज अमेजिंग। बिल्कुल सर असके भी अस याद है कॉलेज लाइफ में जैसे असो माना जैसे अस बिल्कुल लेजी थी जो स्पोर्ट्स वो आर्ट जो होंद ना वो असके रीएक्टिवेट कर छी सही गाल। अच्छा जी तुम ट्रेनिंग्स की गाल कई तो हफ्तों मतलब छोकरा छोकर के ट्रेनिंग दींदा या स्पोर्ट्स की तो तटो तो रेशो जो है वो छोकरन में या छोकरन में केड़ी रांदियों खेड़ जो आ वधिक छोकरन में तो आजकल पाकिस्तान में जो है सो क्रिकेट आई फुटबॉल तो सदियों का छोकरा रो क्रिकेट फुटबॉल जो पया आई जो है सो मां ने रिसेंटली USA में वे होस मां 1.5 महीने उते होस क्रिकेट यूएसए में तो कॉन्सेप्ट ही ना है। अच्छा यो डाडो माना जो सरप्राइजिंग होते
वॉलीबॉल आए हेकड़ो फुटबॉल आए लगाए छियो कम असा के कम के लगाए छियो एशियन कंट्रीज तमा के बियो को स्पोर्ट ही कोनता तमा क्रिकेट टीम असा लगन वाली असा की वाली का टीम आयो हलो ता क्रिकेट वाली त चवन मथा तमा क्वेश्चन जे कोन के कंप्लीट छियो त रेशियो बनी जो जको सो बराबर हो बॉयज जे केन से क्रिकेट एंड फुटबॉल हो गर्ल्स यू जे केन से पेंजी एकड़ी अलग एक्टिविटी हुई जंपिंग वगैरह एकड़ी कुछ एक्टिविटी हुई वो पे कहू सर्किल में जको सो एकड़ी हुई तमना डाडा जे केन से खुश हुआ जको सो बहुत जबरदस्त कामरान समोसा तां सबनी जी मेहरबानी एक दफो मैसेज तां खां स्पेशली यो वठंदम जो तां सां बल्कि मुख क्वेश्चन करणो पर हाणे मैसेज में उनके कन्वर्ट था क्यों कि तां जो सो पीएचडी चाइना मां कई आहे काफ़ी अड़ा स्टूडेंट्स इन जेके पीएचडी जे लाइ विलिंग आहिनि ऐं उहे चाहिनि था त किथे न किथे पीएचडी करे पंहिंजो कैरियर ठाहिनि या किन्हनि खे रहनुमाई न मिली आहे उन्हनि ते रसाई न थी आहे त हिन प्लेटफॉर्म ते सलाम सिंध जे तव्हां उन्हनि स्टूडेंट्स खे कहिड़ो मैसेज ॾियणु चाहींदो उनखे कहिड़ो ॿुधाईंदो त वे आहे कहिड़ियूं पॉलिसीज़ आहिनि तव्हां उन ते अप्लाई करे सघो था बिल्कुलु टीचर जो रोल बि इहो ई आहे त न सिर्फ़ु हुनजी प्रोफेशनल पर्सनल ग्रूमिंग बि करे जीअं करियर काउंसलिंग जे हवाले सां बि त प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ खोड़ आहिनि न सिर्फ़ु चाइना में यूरोप में बि आहिनि यूरोप में इटली स्पेशली घणा ॿार एक्सेप्ट करे थो पाकिस्तान मां फ्रांस इटली फ्रांस फ्रांस में बि काफ़ी ॿार वञनि था हाणे जर्मनी बि ओपन कयो आहे ऐं इन खां अलावा डेनमार्क नओं अपॉर्चुनिटी शुरू थी वई आहे त अहिड़ा मुल्क खोड़ आहिनि जिते एच ई सी जे थ्रू बि वञी सघिजे थो ऐं डायरेक्टली बि वञी सघिजे थो डायरेक्टली माना तव्हां यूनिवर्सिटी वेबसाइट ते वञो त पंहिंजो प्रोफाइल मैच करे ॾिसो त कहिड़ी प्रोग्राम में मुंहिंजो मैच थियां थो त स्कॉलरशिप सां गॾु तव्हांखे माना हिकु त फ्री आहे काई फीस न आहे स्टाइपेंड बि ॾियनि था माना तव्हांजी हिकिड़ी अर्निंग बि थी वञे त इहो नौजवान खे वञणु घुरिजे पाकिस्तान में जेको आहे जेकॾहिं जॉब्स न आहिनि या फर्दर स्टडी करिणी आहे हिते पेड आहे हुते माना अनपेड ऐं प्लस में स्टाइपेंड बि मिले मतिलबु उहो डायरेक्टली ऑनलाइन ॿ ऑप्शन आहिनि हिकिड़ा एच ई सी जी वेबसाइट ते ईंदा आहिनि स्कॉलरशिप्स हुनजी टेस्ट वग़ैरह थींदी आहे ऐं ॿियो डायरेक्टली तव्हां यूनिवर्सिटी में अप्लाई कयो प्रोफेसर खां लेटर वठिणो पवंदो आहे एक्सेप्टेंस लेटर उनखां पोइ तव्हां एडमिशन डिपार्टमेंट सां राबितो कयो ऐं हिकु जॻह ते अप्लाई न कयो मुंहिंजो इहो मैसेज हूंदो मल्टीपल जॻहियुनि ते अप्लाई कयो पोइ रिस्पॉन्स जेको अचे इनशाला अब्दुल वाद साहब आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज टीचर्स डे है स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स के लिए सबसे बड़ा दिन तो यही है और इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अपने टीचर्स के लिए मतलब कि उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए आज बहुत देखा जाता है कि प्राइमरी लेवल पर वो टीचर्स की इज्जत नहीं होती जो पहले हुआ करती थी तो एक ये फुकदान है टीचर्स में भी और शायद स्टूडेंट्स में भी तो इस चीज़ को दूर किया जाए और दूसरी बात यह है कि उस्ताद जो है वो सिर्फ ना के सबक सिखाता है बल्कि इंसान को एक इंसान कैरेक्टर की बिल्डिंग करता है कैरेक्टर बिल्डिंग करता है तो टीचर्स एक बहुत मतलब कि बहुत बड़ा जो प्रोफेशन है रुतबा है तो हमको उसको कभी भी फरामोश नहीं करना चाहिए उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए अगर एक बच्चा पढ़ के उस टीचर से फारिग भी हो जाता है मतलब कि उसके एजुकेशन मुकम्मल कर लेता है अगर उसका टीचर उसको कहीं पे मुलाकात भी होती है तो उसको वही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो पहले दिया करता था चले बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब लास्ट में मैसेज जो है सो यो है तो टीचर्स डे जो है सो तमाम इम्पोर्टेंट्स डे है प्लस टीचर्स की जो है सो उन अंडर रहनुमाई ए गाइडेंस के थ्रू ही तुम जो सो कामयाब थी सोता जेकॾहिं पाण अञा सभु हिते वेठा आहियूं उहो उन ई करे ई आहे त जेको आहे सो पाण खे ख़ुशकिस्मत आहियूं पाण खे सुठा टीचर मिलनि त उन्हनि टीचर खे जेको आहे सो तव्हां ओब्लाइज कयो ऐं मां हिकु मैसेज ॾींदसि टीचर्स जे लाइ त टीचर्स जे लाइ इहो मैसेज आहे त तव्हां पंहिंजे प्रोफेशन सां एॾो सिंसियर थियो त तव्हां सम्झो ही जेके ॿार आहिनि उहे मुंहिंजा पंहिंजा ॿार आहिनि जेकॾहिं तव्हांखे उहो पेशंस ऐं कॉम्पिटेंसीज़ तव्हां डेवलप करियो जे डॉक्टर साहिबु चयो त जेको आहे त पी एच डी करे हलिया विया पढ़ाइण सिर्फ़ु पढ़ाइण कोन्हे लर्निंग केतिरी थी थिए उहो वधीक मायने थो रखे बिल्कुलु त इहो जेको आहे सो तव्हां टीचर्स जे लाइ जेको आहे सो मैसेज आहे त तव्हां पंहिंजे प्रोफेशन सां एॾो सिंसियर थियो जो ॿार ख़ुदि ब ख़ुदि तव्हां वटि अचनि त असां वधीक हाणे पढ़णु था चाहियूं कहिड़ा कहिड़ा वेज़ आहिनि कहिड़ा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि उन सां असीं वधीक जेको आहे सो पंहिंजो फ्यूचर ब्राइट बिल्कुलु तमामु सुठो मैसेज आहे ऐं मैसेज यकीन असां टीचर्स जे हवाले सां मतिलबु जेके बि टीचर आहिनि असां उन्हनि शागिर्दनि खे अहिड़ा टीचर थी ॾेखारियो असां अहिड़ा ॾिठासीं वीडियोस ॾिठासीं जेकॾहिं उहो टीचर रिटायर थिए थो त असां रड़ियूं रोईंदे न पर ॿारनि खे रोईंदे रड़ियूं कंदे ॾिठो आहे हुन टीचर्स जी रिटायरमेंट ते सो अहिड़ा मिसाली टीचर थी ॾेखारियो ऐं छो जो तव्हां उन्हनि जी ॿारनि जो मुस्तक़बिल उन्हनि जी ज़िंदगी उन्हनि जा सुठा कम उन्हनि जा इवन बुरा फैल
किथे न किथे वो टीचर भी जिम्मेदार होंदो आहे बिल्कुल जी आसो अगर बारन ने मुस्तकबिल दी गाल कई है त पो असा पांजो एकडो मैसेज को रोज दींदा भी आहु 2 अक्टूबर का 6 अक्टूबर तक देखो पोलियो जी मुहिम शुरू थी चुकी है त बराए मेहरबानी वालदेन की बार-बार रिक्वेस्ट चाहे सबनी वालदेन के त पने 5 सालन जी उम्र वाले बारन के जो को है पोलियो जा कतरा पियारियो इन अमूजी मर्ज का जो अपने बार के बचायो छ जे कदे असा इते गाल वेई कयु ता बार जे मुस्तकबिल जी बार जे फ्यूचर जी वो बार असां जो मुस्तकबिल जो सितारो आहे ऐं उहो सितारो तॾहिं चमकंदो जॾहिं उहो कंहिं बि मूज़ी मर्ज़ खां पाक हुजे त पोलियो जा कतरा जेके आहिनि उहो ज़रूरु पीआरियो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में इहा कैंपेन हले पई ऐं मां सम्झां पियो कि माज़ूरी जेका आहे उन जहिड़ो ऐब कुझु बि कोई बि न आहे छो जो जॾहिं तव्हांजो ॿार माज़ूर थो थी वञे न त पोइ हिन समाज जा त रवैया तव्हां सही तरीक़े सां सुञाणो था सो जेकॾहिं चाहियो था तव्हांजो ॿार सिहतमंद रहे त पोइ फ़ैसिलो अॼु करिणो आहे जेकॾहिं तव्हांजे ॿार खे सुभाणे पंहिंजे पेरनि ते हलणो आहे सो वठंदासीं असां इजाज़त हिननि महिमाननि खां तव्हां खां पर हिन ख़ूबसूरत गाने असां गॾु मीर मोहम्मद साहिबु लास्ट में असांखे कहिड़ो गानो ॿुधाईंदा सही लास्ट में तव्हांखे धुन तमामु पुराणी आहे उस्तादनि जी ॻाल्हि आहे मेरी दिलि की दुनिया में आकर देखो शायरी आहे तव्हांखे ॿुधायूं था हिकिड़ो दुआ जो बोल आहे असांखे इमोशनल लॻा पियूं कामरान साईं छो वरी असांखे दर्द ॾे था वठी वञनि सजण सवा जग में सजण सवा जग में ॾाढो ॾुखियो जीअण आहे काने बि कावा रजब बिरोही चए तो सवा जी मौला मुझ मौला जमाने सतायो मुखे मुझ मौला जमाने सतायो सजन सवा जग में सजन सवा जग में जीअण वाजायो मुखे मौला ज़माने सतायो सजण सवा जग में सजण सवा जग में जीअण वाजायो मूंखे मुंहिंजा मौला ज़माने सतायो मूंखे मुंहिंजा मौला ज़माने सतायो असांजी इबादत प्यार मोहबत असांजी इबादत प्यार मोहबत असांजी इबादत प्यार मोहबत असांजी इबादत प्यार मोहबत असांजी इबादत इहो ख़्याल दिल में सहन आ सजायो इहो ख़्याल दिल में सहन आ सजायो सजण सवा जग में जीअण वाजायो मूंखे मुंहिंजा मौला ज़माने सतायो मूंखे मुंहिंजा मौला ज़माने सतायो
छो नजन था प्यार मोहब्बत करण 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 छो नजन था असा मोहब्बत जो मिलो आ मचायो असा मोहब्बत जो मिलो आ मचायो सजन सवा जग में जीण वा जायो मुखे मुज मौला समाने सतायो मुखे मुज मौला समाने सतायो सजन सवा जग में जीण आ जायो मुखे मुज मौला जमाने सतायो मुखे मुज मौला जमाने मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स डिसो हाने एचडी क्वालिटी में विजिट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध टीवी एचडी।